सन्माननीय व्याख्याते वैद्य ओंकार कुलकर्णी सर आणि प्रोफेसर यांचे मनापासून स्वागत। वैद्यांनो, आपण ज्ञात आहातच की पूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतभर आणि जगात याच परिस्थिती उडवली आहे आणि त्या परिस्थितीला आपण सर्वजण चांगल्या प्रकारे तोंड देत आहोत आणि त्यात बऱ्यापैकी आपण आता यशस्वी होतही आहोत। या सर्व काळामध्ये गेले 15 दिवस आपल्या संस्थेच्या अंतर्गत आपण विविध उपक्रम राबवित आहोत आणि त्या उपक्रमांपैकी आपल्या संस्थेला एक संधी मिळाली होती की जे MCM ने एक बैठक आयोजित केली होती कोरोना आणि कोविड याच्या विरोधात काही उपाययोजना करण्यासाठी काही प्रोटोकॉल मागितले होते आणि त्यामध्ये आपली संस्थाही सहभागी होती आणि ते बऱ्यापैकी आता होत आहे। आपले प्रधानमंत्रीही त्यावर चांगल्या प्रकारे गायडन्स करत आहेत आणि आपण पाहत आहोत की बऱ्याच महापालिका त्यांच्या फेसबुक पेजवरून बरेच सल्ले देत आहेत, व्हिडिओज PPTs ते शेअर करत आहेत की आयुषच्या ट्रीटमेंटचा उपयोग करावा असा। ह्या उपक्रमाबद्दल आपण पाहत असाल की फेसबुक पेजवरून हे सगळे उपक्रम लाईव्ह आहेत, गो मीटिंगवर लाईव्ह आहेत, बऱ्यापैकी याला लोक खूप डॉक्टरांनी याला साथ दिली आहे। साधारणपणे 30,000 ते 40,000 टोटल व्ह्यूज ह्या ऑनलाईन CME चे फेसबुकवर झाले आहेत। रोज 400 ते 500 वैद्य याच्यामध्ये सहभागी होत आहेत, रजिस्ट्रेशन करत आहेत आणि ह्या सर्व गोष्टी करण्यामागचा उद्देश हेच आहे की ज्या आपले ज्येष्ठ गुरुवरी आहेत, वैद्य आहेत, त्यांच्या जे गायडन्समधील त्यांच्या अनुभवातील ज्या केसेस आहेत, जे काही ज्ञान आहे ते आमच्यासारख्या तरुण वैद्यांपर्यंत पुढील पिढीपर्यंत पोहोचण्याकरता आपण कार्य करत आहोत। गेले 10 वर्ष ह्या गोष्टी आपल्या सातत्याने चालू आहेत परंतु सध्या ह्या गोष्टींमुळे आपण ह्या फील्डवर न करता ऑनलाईन करत आहोत आणि ह्या ऑनलाईन स्वरूपाला आपण कोणतेही शुल्क आकारत नाही आहेत कारण की लॉकडाऊन असल्यामुळे सर्वत्र आपण ज्ञात आहात की काय परिस्थिती आहे आणि ह्या परिस्थितीमध्ये निःशुल्क CME आयोजित करणं हा आपला एक उद्देश, आपल्यासारख्या सर्व उपस्थित वैद्यांनी त्याला खूप चांगल्या प्रकारे यशस्वी केला आहे आणि आज 16वी CME आहे, याच्या पुढेही आपले CME चालू राहणार आहेत। तर आपल्या सर्वांचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो आणि आजची जी CME आहे त्याचा विषय आहे मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। तर परंपरेनुसार आयुर्वेदाच्या कोणत्याही कार्याची सुरुवात आपण आयुर्वेदाचे आद्य प्रवर्तक वैद्य भगवान धन्वंतरी यांच्या स्मरणाने करत असतो। तर मी आपले मुंबईचे समन्वयक वैद्य पियुष श्रीकोत्रा सर यांना नम्र विनंती करतो, त्यांनी ती श्री धन्वंतरी स्तवन सुरू करावे। डॉक्टर पियुष श्रीकोत्रा सर नमस्कार। वैद्य कुलकर्णी सर नमस्कार। सभी वैद्यगण, मैं आप सबसे विनंती करता हूं कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्वंतरी जी का नाम स्मरण कर प्रार्थना के लिए प्रारंभ करें। यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा श्रुत्वा दिव्यमहौषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् विप्राणोज्ज्वलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तन्दन्वन्तनिरूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे। धन्यवाद वैद्य पियुष सर। मी व्याख्यानातील दुसरा भाग माझी थोडक्यात ओळख करून देण्यासाठी मी आपल्या नवी मुंबईच्या अध्यक्ष वैद्य सोनाली कवठेकर यांना विनंती करतो, त्यांनी उपस्थित वैद्यांना थोडक्यात आपल्या संस्थेच्या कार्याविषयी ध्येय उद्दिष्टाविषयी थोडक्यात परिचय करून द्यावा। वैद्य सोनाली कवठेकर मॅडम। हो सर, सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार आणि सरांना नमस्कार। मी आज थोडक्यात तुम्हाला मास विषयी इंट्रोडक्शन देणार आहे। काही नॉन मराठी आहेत गगन, त्यांच्यासाठी पहिल्यांदा मी इंग्लिशमध्ये सांगेल आणि त्यानंतर मराठीमध्ये सांगेल। मास इंट्रोडक्शन, इट इज अ युनिक युनिव्हर्सल ऑर्गनायझेशन ऑफ स्टुडंट्स, प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्स, गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस, सर्व्हिस डॉक्टर्स, सर्जन्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा। Mass B is a voice of Ayurved medicine which empowers individual, community and humanity to achieve health and to Ayurveda. Mission is for preserve, protect, improve, promote and integrate science, philosophy, knowledge of Ayurved medicine for benefits of humanity.
त्याच्यामध्ये आता मास्क संकल्पना आणि ध्येय उद्दिष्टांमध्ये पहिलं जे ध्येय आहे ते आयुर्वेद संघटन मास्क संघटनेचे ध्येय आणि उद्दिष्ट साध्य ते करता सर्व आयुर्वेद विद्यार्थी डॉक्टर्स यांना मास्क संघटनेत सामील करत आणि ज्या प्रस्थापित इतर आयुर्वेद संघटना आहेत त्यांना मैत्रीपूर्ण भावनेने सोबत घेऊन संपूर्ण विश्वात आयुर्वेदियांचे एक अतूट अभेद्य संघट करणे आयुर्वेदांचे सार्वभौमत्व त्याच्यामध्ये प्रशासकीय खासगी शैक्षणिक चिकित्सा न्याय वैद्यकीय आणि आधुनिक शास्त्रातील डॉक्टर्स इतकाच यांना सगळ्यांचे या सगळ्यांमध्ये आयुर्वेदियांचे सार्वभौमत्व प्रस्थापित करणे आणि शैक्षणीय वैद्यकीय शिक्षणमध्ये त्रुटी आहेत त्या भरून काढण्यासाठी वेळोवेळी आपण राज्यस्तरीय किंवा कार्य राज्यस्तरीय किंवा आपल्या लोकल लेवलवरती आपण परिसंवाद कार्यशाळा याचा करत असतो. संशोधन क्षेत्रामध्ये सुद्धा मास्क हे अग्रेसर आहे. त्याच्यामध्ये विविध संशोधन क्षेत्रात भाग घेणे आणि जे काही संशोधन केलेलं आहे त्या कार्यास आपण व्यासपीठ मिळवून देत असतो. सामाजिक क्षेत्रात सुद्धा आपण आपलं भरीव योगदान आपण सतत देत असतो. त्याच्यामध्ये काही रोग प्रतिबंधात्मक उपचार करणे तसेच दिनचरी याविषयी जागृती निर्माण व्यवहारात प्रयत्न करणे. सांस्कृतिक लेवलवरती सुद्धा मास्क कार्यरत कार्य सतत चालू असतं. आयुर्वेद प्रसार साठी आपण नेहमी कार्यरत असतो. सहकार उद्योग त्याच्यामध्ये आयुर्वेद डॉक्टरांसाठी या क्षेत्रातून विशेष प्रयत्न करण्यात येतो. तसेच नवीन आयुर्वेद रुग्णालय फार्मा कंपनीज पंचकर्म उपकरणे निर्मिती असे विविध उपक्रम आपण राबवतो. दरवर्षी आपण आयुर्वेद वनस्पती संवर्धनासाठी आपण आयुर्वेद संवर्धनासाठी प्रयत्न करत असतो. राष्ट्रवाद आयुर्वेदाशी संबंधित कार्य करत असताना देशाच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी ज्या प्रकारे योगदान देण्यास संधी मिळेल तिथे उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेणे ज्वलंत भारतीय राष्ट्रवादाचा सदैव पुरस्कार करणे ही काही आपल्या मास्कची आयुर्वेद मास्कची उद्दिष्ट आहे. मला इथे आपल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद. आपण कार्यक्रमाच्या मुख्य भागाकडे वळत आहोत. व्याख्यानाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी वैद्य तुषार ढवळे जे आपल्या अध्यक्ष आहेत मार्चच्या आणि त्यांनी बालरोगामध्ये आपलं पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेलं आहे त्यांना विनंती करतो. आजचे सन्माननीय व्याख्याते वैद्य ओंकार कुलकर्णी सर यांचा थोडक्यात आपल्या सर्व वैद्यास परिचय करून द्यावा. वैद्य तुषार ढवळे सर, गुड आफ्टरनून आयुर्वेदा डॉक्टर्स अटेंडिंग टुडेज सीएमई. टुडे वी आर प्लीज टू वेलकम डॉक्टर ओम प्रकाश कुलकर्णी, अ व्हेरी स्पेशल गेस्ट फ्रॉम मुंबई. डॉक्टर ओम प्रकाश कुलकर्णी इज द असोसिएट प्रोफेसर एट HOD इन बालरोगा डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद महाविद्यालय सायन. हिज एज्युकेशन क्वालिफिकेशन इज MD इन कौमार नृत्य अँड PhD. ही इज ऑल्सो गोल्ड मेडालिस्ट. ही हॅज 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपिरियन्स. ही पब्लिश 35 रिसर्च पेपर्स अँड पार्टिसिपेटेड इन 57 सेमिनार्स. ही गॉट 6 अवॉर्ड्स इन एसे कॉम्पिटिशन. He is also working as a part of core committee of Suvarna Prashan in Maharashtra. He is one of the only consulting Ayurvedic pediatrician. And today he will be sharing with us his expert opinion on musculoskeletal disorders in pediatrics. Thank you. Thank you, Dr. Tushar sir, for a very good introduction of Dr. Omkar Kulkarni sir. Now I am requesting all attendees, please mute your mic and camera during the CME. Do not do any disturbances to our guest speaker. Whatever questions do you have that you can ask after the end of the lecture and in chat box. So we welcome Dr. Omkar sir and we request him please start his lecture. First of all, I welcome you all. I know many of you are seniors, some are my colleagues, and many will be my students. First of all, I congratulate you for utilizing this time in learning new things. त्याचबरोबर मी डॉक्टर रामदास यांची पूर्ण टीम यांचे आभार मानतो की त्यांनी मला या व्यासपीठावर पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांशी बोलायची संधी दिली. सगळ्या सुरुवातीला
मी त्या सगळ्या महान वैद्यांचे आभार मानतो आणि अभिवादन करतो ज्यांनी माझ्या आधी या व्यासपीठावर येऊन आपले विचार मांडलेत. तसंच या महाराष्ट्रात पूर्ण देशामध्ये असे अनेक वैद्य आहेत जे बालचिकित्सेमध्ये आपलं योगदान देतात, त्यांच्या परीनं बालचिकित्सा करतात, बालरुग्ण बरेही करतात. असेही अनेक अनुभव माझ्या घाटीशी आहेत की वैद्यवरांनी अतिशय अवघड अशा बालचिकित्सा साध्य करून दाखवले आहेत. अगदी कन्व्हर्जन्स किंवा आक्षेपक आकडीसारखे आजार काही पुढ्यांनी बरे करून, किंवा अगदी 2 ग्रॅम HB किंवा अगदी 3 ग्रॅम HB फक्त आयुर्वेदिक औषधांनी 11-12 करून दाखवल्या. अशाही सगळ्या महान वैद्यांना मी इथून नमस्कार करतो आणि त्यांना आश्वस्त करतो की त्यांच्याच पथावर चालायचा हा प्रयत्न आहे आणि त्याचा एक भाग म्हणूनच मी आज हे व्याख्यान सादर करतो. आपला आजचा विषय आहे मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. माझ्या 16-17 वर्षाच्या अनुभवाच्या आधारावर मी हे हक्काने सांगतो की असे काही व्याधींचे संच आहेत की जे हक्काने आजही आयुर्वेदिक चिकित्सा घेण्याकरता आपल्याकडे येतात. त्यातला एक तर त्वचाविकार आहे, स्किन डिसीजेस आहे, आणि दुसरा आहे मस्क्युलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स. दुर्दैवाने अशा रुग्णांचे पालक खूप त्रस्त असतात आणि ते अगदी मोठ्या विश्वासाने आपल्याकडे येतात की काहीतरी करून काहीतरी उपचार करता येतील का. इतकंच नव्हे तर आधुनिक शास्त्राचे डॉक्टर सुद्धा बऱ्याचदा माझ्या अनुभवामध्ये मस्क्युलोस्केलेटलचे ची बाळ रेफर करतात. त्यामुळं असा एक ग्रुप आहे, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, ज्याच्यावर आपल्याला काम केलं पाहिजे, प्रावीण्य मिळवलं पाहिजे, ज्ञान आपण घेतलं पाहिजे. त्यामुळे खूप छान संधी मला दिली डॉक्टर रामदासने की हा विषय मी आपल्यासमोर मांडू शकेन. व्याख्यान सुरू होण्यापूर्वी तुम्हाला या व्याख्यानानंतर काय मिळणार हे मी आधी सांगतो. या व्याख्यानामध्ये मी तुम्हाला आश्वस्त करतो की जे काही तुम्हाला ऐकायला बघायला मिळेल हे प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट असते. मी हा प्रयत्न मुद्दामून केलाय की फक्त व्याधींची ओळख करून देण्यापुरतच थेरॉटिकल आस्पेक्ट आपण इथं घेऊया. बाकी कोणताही थेरॉटिकल आस्पेक्ट न घेता आपण केवळ आणि केवळ प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट विथ स्पेशल रेफरन्स टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयुर्वेदिक. Before beginning, I would like to assure you that whatever you will listen in next 1 or 2 hours will be all practical aspects of Ayurvedic concepts and treatment modalities as far as musculoskeletal disorders are concerned. Very purposefully, I have not included much of a theoretical part because I am sure you are well aware of it. So be ready with your pen and pencils and notebooks because there are many practical points to be written down. And another important thing is you will have facts based on experiences. Ye experiences ek do din ke nahi hai. Gat 16-17 saal se nirantar prayason se jo nirman hue hain ye wo anubhav hai. Shayad 16 saal pehle जो मैंने अनुभव लिए हैं वही आज नहीं होंगे. बदलाव होते गए, चीज़ें बदलती गई, कुछ चीज़ें तब सही लगती थी जो बाद में लगी कि नहीं ये सब किताबी बातें हैं, उनको मैंने निकालने की कोशिश की. और जहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ वो बातें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा. मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप भी इन बातों को ज़रूर उपयोग में लाएँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें जो आज डिस्कस की हमने, आपला व्हिडिओ बंद केला तरी चालेल. पार्डन, व्हिडिओ बंद करू. हॅलो, व्हिडिओ बंद करू का? व्हिडिओ बंद करू का? आपला व्हिडिओ काही तो आवाज येतो. ओके, शाला क्लोज इट व्हिडिओ. इज इट फाइन नाउ?
ठीक है? हेलो, यस सर, चलो कंटिन्यू। यस सर। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये अनुभव एक दो दिन के नहीं है, सालों का सालों की मेहनत है, लेकिन फिर भी आज जो हम डिस्कस करेंगे उसको आप जरूर प्रयोग में लाएं, और प्रयोग में लाते हुए आपको ये महसूस हो कि ये बातें शायद नहीं बन पा रही, नहीं हो रही, तो जरूर आप मुझसे बात कर सकते हैं, या शायद आपको ऐसा लगे कि कुछ और भी बातें ऐड हो सकती हैं तो भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हम सारे सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो ही बाल रोग चिकित्सा विज्ञान को एक अपना एक अलग स्थान दे पाएंगे। हेलो, सो नाउ व्हाट डू, हाँ फाइन, सो आई टोल्ड यू व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर दिस लेक्चर। Now, this is something which I would like to have from your side at the end of the lecture. जब जब हम बात बाल रोग की करते हैं तब तब हमने बहुत ही पहले से एक अपगार स्कोर सुना है जो बच्चा पैदा होते ही हम इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं, सब ने ये बाहर किया है, इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, उसको मैंने अपगार स्कोर कर दिया, दैट इज ए पी जी ए एल, ए फॉर असेसमेंट, पी फॉर परकुलेशन, जी फॉर नॉलेज, ए for after and L for lecture, that is assessment of percolation of knowledge after lecture. I would like to have your score on this, कि आपको मेरा lecture कैसा लगा, non-satisfactory, satisfactory, very useful. ये इसलिए है कि शायद आपका ये experience मुझे आने वाले lectures में help करेगा, तो मुझे आपसे ये उम्मीद है कि मुझे आप अपना आपका score ज़रूर बताएं lecture के बाद में। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, थोड़ा सा बाल रोग के बारे में, बाल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, शास्त्रज्ञ कश्यप से इस बात को सराहा गया है कि चाइल्डहुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ, इस समय किया गया प्रयत्न हमेशा ही उस आदमी के साथ रहता है। थोड़ा सा मेरे ब्रांच के बारे में, Kumar Bruti branch is universally accepted in all the classics, but unfortunately sidelined because of various reasons. There are few followers, I would not say rare followers, but there are very few followers as compared to other branches, and Ayurvedic pediatricians are extremely less, almost nil. My branch has immense potential, it requires tremendous clinical skills, drugs, dosage, etc. But now the scenario is changing and it is appreciated as a redefined system of child health. Before going to disease part, मैं इस अवसर को नहीं गवाऊंगा कि कुछ बातें मैं जरूर पहुंचाऊं महाराष्ट्र के हर एक कोने में। तीन बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है जब जब हम बच्चों को ध्यान में रखते हैं। आयुर्वेद ने तीन बातों को बहुत ही बड़े पैमाने पर कहा, एक कि बाल ये सुकुमार है, वो डेलिकेट है, अच्छे से मैच्योर नहीं हुआ था, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम ये कोशिश ना करें, हम ये वादे भी ना करें कि ऐसा हम कुछ बना देंगे जिससे आपका बच्चा कभी बीमारी ना पड़े, हट्टा कट्टा रहे, शायद आयुर्वेद भी इस बात को नहीं मानता। कृपया तो हम सारे वैद्य वर्ग इसको याद रखें कि आयुर्वेद ने बच्चों को सुकुमार ही कहा है, वो सुकुमार ही रहेंगे, वैसे ही वो अक्लेश सह भी हैं, वो कई सारी बातें हजम नहीं कर पाए, कि ये प्राकृतिक चीजें हैं। शायद हम कई बार व्यावहारिक दृष्टिकोण से कई बातें ऐसे कर देते हैं जिन्हें आगे जाके हमें पछताना पड़ता है, इसलिए हमें पक्का सोच लें कि हमारे लिए बच्चा सुकुमार है, अक्लेश सह है, मेरा बच्चा बीमार पड़ेगा, थोड़ी ही सर्दी होगी तो बच्चा छीकेगा, इसमें हम ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद ने ये कहा कि बच्चा श्लेष्म धातु प्राय है।
हमारे लाइफ के दौरान बाल अवस्था एक ऐसी एक ही अवस्था है जिसमें वजन बढ़ते जाना या कद हाइट बढ़ते जाना ये प्रकृति है। कृपया इस बात को समझिए। और इसीलिए ही इसीलिए सिर्फ कहा गया कि बच्चों की जो अवस्था है वो कृष्ण धातु प्राय है। तो हम इसको इस ऐसे समझेंगे कि कृष्ण धातु प्राय मतलब कोई व्याधि का दृष्टिकोण नहीं, कोई प्रकृति का दृष्टिकोण नहीं, तो सिर्फ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को दिखाता है। मनुष्य के जीवन में ऐसी एक ही फेज है जिसमें मुझे यकीन है कि अर्ब्स पैरालिसिस हम में से कई लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि जिस कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मेरी कर्मभूमि है, कि उसका बड़प्पन है कि मुझे मेरे करियर में अर्ब्स पैलेसिस के पेशेंट देखने को मिले। मैं आपको जरूर उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो हमारा पूरा लेक्चर इन बातों पर हम थोड़े से बाजू में रहते हैं। यह है सभी का क्लासिफिकेशन। चार बड़ी चीजें हैं। पहला है स्पास्टिक सीपी, स्पास्टिक सीपी। दूसरा है डायकाइनेटिक सीपी। तीसरा है सेरेब्रल सीपी और चौथा है मिक्स सीपी। मैं वापस रिपीट कर दूं, पहला है स्पास्टिक सीपी, दूसरा है डायकाइनेटिक सीपी, तीसरा है सेरेब्रल सीपी और चौथा है मिक्स सीपी। बड़े पैमाने पे जो पहले दो प्रकार हैं उसमें सेरेब्रम जो पार्ट है उसमें डैमेज है, और जो तीसरा भाग है उसमें सेरेब्रलर जो पार्ट है वो डैमेज है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि ये क्लासिफिकेशन पेरेंट्स और हमारे बीच का एक जरिया होता है, इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। क्लास वन विथ नो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटीज, क्लास टू स्लाइट टू मॉडरेट लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटीज, क्लास थ्री मॉडरेट टू क्रॉस एंड क्लास फोर इनएबिलिटी टू कैरी फिजिकल एक्टिविटीज। ये चारों फेजेस आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में देखे जा सकते हैं। सिम्टम्स सबसे हमें याद क्या रखना है कि सीपी मतलब मोटर डिसेबिलिटी। अगर इतना भी हम याद रखें तो कई सारी बातें आसान हो जाएंगी। सीपी में होता क्या है, पॉस्चर और बैलेंस प्रॉब्लम, लॉस ऑफ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, एबनॉर्मल टोन ऑफ मसल्स, एबनॉर्मल स्ट्रेंथ, एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस, परसिस्टेंट मोटर डिले, कॉग्निटिव डेफिसिट्स और एसोसिएटेड। अगर मैं थोड़ा सा ले लैंग्वेज में बात करूं तो बच्चा शायद कभी उसने गर्दन नहीं पकड़ी, शायद कभी उसने बैठने की कोशिश भी नहीं की, शायद वो माता पिता को नहीं भी समझता, शायद वो स्टूल यूरिन पास करना नहीं समझता, शायद वो हमेशा लेटा हुआ है, शायद उसके हाथ पांव बहुत ही कड़क हैं, शायद उसके हाथ पांव में ताकत बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा बच्चा है जो हमें सीपी के अंडर सीखना पड़ेगा। जो बात मैंने पहले की थी कि ठीक है सीपी तो नॉन क्यूरेबल है,
लेकिन ऐसे कौन सी उसके फील्ड्स हैं जिसमें आयुर्वेदिक फैटर्निटी जरूर अपना योगदान दे सकती है, और ये हम दे पाते हैं, इसीलिए आज मॉडर्न के पीडियाट्रिशियंस भी बहुत ही आदर के साथ ये बच्चे हमारे पास भेजते हैं, और वो है फेल्यूर टू थ्राइव, फीडिंग डिफिकल्टीज, बिहेवियरल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज, कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। ये बच्चे बहुत ही प्रोन होते हैं व्याधियों के लिए, ब्लैडर बॉवल कंट्रोल, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो इन सारे सीपी के लक्षण समुच्चयों में चलना फिरना न होना के साथ साथ ये सारी डिफिकल्टीज हैं जिसको हमें डील करना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस किया था कि चार टाइप्स हैं, स्पास्टिक सीपी, बायकाइनेटिक सीपी, सेरेब्रल सीपी और मिक्स सीपी। इन चारों में से स्पास्टिक सीपी जो है, जो पहला प्रकार था, दैट इज कॉमनिस्ट। मुझे विश्वास है आप में से कईयों ने ये बच्चे देखे होंगे, कई लोग हिमड़ी पेडियाट्रिक कर चुके हैं, उनको पक्का देखे होंगे। सबसे बड़ा ग्रुप ये है स्पास्टिक सीपी, नाम ही आपको ये कहता है कि इसमें बच्चे में स्पास्टिसिटी होती है, कड़कपन होता है, बच्चे के हाथ पैर मोड़ नहीं सकते, चलना बैठना तो बहुत दूर की बात। तो क्या है ये स्पास्टिक सीपी? एज वी डिस्कस मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर स्पास्टिसिटी ऑफ अपर एज वेल एज लोअर लिम्स, लेग्स बीइंग मोर सीवियर, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर ब्रिस्क, प्लांटर में भी एक्सटेंसिव, सीजरिंग ऑफ लेग्स। अगर आप इसमें से किसी बात को समझ नहीं पा रहे तो जरूर नोट करके रखिए, हम बाद में डिस्कस कर पाए। सीजरिंग ऑफ लेग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीपी का बच्चा जब पिताजी माँ कंधे पे उठा के लाती है तो कोशिश ये करिए कि उन्हें पूछिए मत कि क्या हुआ। अगर आपको एक बच्चा उसके हाथ में दिखाई दे रहा है और शायद उसके पैर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है कैंची की तरह, तो वो सीजरिंग है, स्पास्टिक सीपी है। डिले इन अटेनिंग मोटर माइलस्टोन्स, परसिस्टेंस ऑफ फ्यू नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, ऐसे कुछ रिफ्लेक्सेस जो बच्चों में 6 महीने पहले ही देखे जाते हैं, धीरे धीरे वो खत्म होने चाहिए, वही प्रकृति है, वो दुर्दैव से 1-2 साल के बाद भी दिखाई देना, ये एक उसका सिम्टम है। एंड सॉल्विंग डिफिकल्टीज, एक्सेसिव ड्रूलिंग, मेरे बच्चे के मुंह से डॉक्टर साहब लाल बहुत गिरती है। आप मेरा यकीन मानिए, आपने इस एक परेशानी को भी 50 पैसा कम किया तो भी आपके पेशेंट के माँ के आंखों में आप आंसू देखो। दूसरा जो कमर्स मैंने देखे मेरे प्रैक्टिस में, वो है सेरेब्रल सीपी। कई बार मैंने लेक्चर्स में मैं घुमा हूँ और तब लोगों ने मुझे ये कहा कि उन्होंने कभी इसको देखा नहीं। फिर ये मेरे कॉलेज का, मेरे हॉस्पिटल की महत्ता है कि मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ कि जहाँ पे पेशेंट्स कई सारे होते हैं। मेरे पास ये पेशेंट्स कई सारे आए सेरेब्रल सीपी के, कुछ मैं डिस्कस भी करूँगा। रेयर है और ये होता है सेरेब्रलर इंजुरी से। हमने डिस्कस किया था कि कुछ होते हैं सेरेब्रम की इंजुरी से, पिंसल से, और कुछ होते हैं सेरेब्रलर की इंजुरी से, उसमें से एक है। होता क्या है, एबनॉर्मलिटीज इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एंड बैलेंस, क्योंकि सेरेब्रलर पार्ट इन्वॉल्व है इसीलिए बैलेंस ये इशू बन जाता है। वाइड बेस एंड अनस्टेडी गेट एंड अबनॉर्मल मसल टोन, ये सेरेब्रलर सीपी का पार्ट है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि हमने कुछ आयुर्वेदिक कंसेप्ट देखे थे कि बच्चा सुकुमारी होगा, आप कुछ भी खिलाएं, बच्चा असहरी होगा, आप कुछ भी कोई भी कोशिश क्यों ना करें, और बच्चा एक ऐसी अवस्था है जिसमें कफ के नॉर्मल फंक्शंस, मतलब वजन बढ़ते जाना और कद बढ़ते जाना आपको दिखाई दे। फिर हमने डिस्कस किया कि आज कुछ ही ऐसे डिसीजेस की डिस्कस करेंगे जिसमें हमने डिस्ट्रॉफी देखा, जिसमें हमने सीपीज देखा, जिसमें हमने देखा वायरल न्यूरोटिस, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सीपी को चार टाइप्स हमने डिस्कस किए, ये डिस्कस किया कि ये मोटा डिसेबिलिटी है। स्पास्टिक सीपी बहुत ही कॉमन है, हम सब ने देखा है, और दूसरा कॉमन है जो मेरे पास कॉमन है वो है सेरेब्रल सीपी। जो बच्चा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये उस रेयर डिसीज का है, सेरेब्रल सीपी का। गौर से देखिए उसकी गर्दन कैसी है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे। हमने उसके बहुत कोशिश की कि उसे कहें कि तुम दोनों घुटनों को पास में लेकर खड़े रोको बेटा, कि वो खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि हमने देखा है कि इसमें वाइड स्पेस गेट होता है। देखिए आप हमेशा देखेंगे
कि बच्चों के पैरों में काफ़ी सारा अंतर है, वो जानबूझ के खड़े नहीं हो पा रहे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सेरेब्रलर इन्वॉल्व है, मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, डिस्टर्ब है, इसलिए उसकी कोशिश होती है कि वो वाइड बेस गेट पे खड़ा हो। थोड़ा सा क्लिनिकल वैल्यूएशन, ये मैंने इसलिए फ़ोटो रखा कि अगर कोई बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हैं तो शायद वो इसे पहली बार देख रहे हों, बच्चों ने तो कई बार देखा भी होगा। ये प्लांटर रिफ्लेक्स है, इसको हम बेगन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें हम बच्चे के प्लांटर एरिया पे हील से लैटरल साइड से स्टिमुलेट करते हैं और ग्रेट टो के पीछे आते हैं, मतलब अंगूठे के नीचे तक हम स्टिमुलेट करते हैं। अगर आप खुद को ये करके देखो, महसूस करके देखो, तो आप ये पाओगे कि आपके सारे जो फिंगर्स हैं, टोज हैं, वो प्लांटर फैशन में जाएंगे, अंदर की तरफ मुड़ेंगे, आप महसूस कर सकते हो। लेकिन आप स्क्रीन पे देखो, जब मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ बच्चे को, तो प्लांटर रिफ्लेक्स में जो ग्रेट टो है उसका डॉर्सी फ्लेक्शन हुआ है। अगर आप चीज़ को समझ रहे हैं तो हमारे केस में उसका प्लांटर फ्लेक्शन बिल्कुल उल्टा होगा। इस केस में वो डॉर्सी फ्लेक्शन हो रहा है और जो बाकी सारे जो फिंगर्स हैं वो फैनिंग हो रहे हैं, वो बहुत ही फैल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो जो चीज़ होनी चाहिए कि दोनों सबके सब जो टोज हैं उसका प्लांटर फ्लेक्शन होना चाहिए, इस केस में डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो एंड फैनिंग ऑफ व्हाट यू कॉल अदर टोज, दिस इज प्लांटर एक्सटेंसर। अब ये इंटरेस्टिंग क्लिनिकल इवैल्यूएशन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोनों हाथ इसी तरह जैसे स्क्रीन में दिखाए हैं पकड़ लें और ताकत से खींचें। आप ये पाएंगे कि आपके हाथों के दोनों अंगूठे, मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म यूज करूं तो खड़े हो गए, फ्लेक्शन में आ गए। यही होगा जब आप किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ ये चीज करोगे। मैं आपको विनती करता हूं कि अच्छे से देखिए इस स्लाइड को, बच्चे में अंगूठे का अडक्शन हो गया है। मेरा अंगूठा आपको सीधा दिख रहा है, लेकिन बच्चे का अंगूठा जो है वो आपको अपडक्शन दिख रहा है। जैसे हमने देखा था बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो पैर का था, ये हाथ का सेम रिफ्लेक्स है, प्लांटर रिफ्लेक्स। शायद जब हम पढ़ते हैं तब, क्योंकि शायद ये डिसीज रेयर है इसलिए कभी सिखाया ना जा गया हो या कभी दिखाया ना गया हो, लेकिन मैंने ये इस चीज़ को इसलिए जानबूझ के रखा कि इस बात को आप समझें कि हाथों के भी रिफ्लेक्सेस होते हैं। बातों बातों में आप इनको इवेल्युएट कर सकते हैं, ये पक्का कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा शायद सेरेब्रल सीपी का हो। तो दो सीपी के प्रकार डिस्कस किए हमने, एक तो स्पास्टिक सीपी था, इसमें हमने कहा था कि स्पास्टिक सीपी होती है बहुत कड़कपन होता है, सीजरिंग ऑफ लोअर लिंग्स होता है और सारी बातों के साथ साथ। और जो दूसरा प्रकार देखा था वो देखा था सेरेब्रल सीपी, इसमें हमने कहा था कि बच्चे का गेट जो है वो वाइस फेस गेट है, बच्चा बैलेंस नहीं कर पाता है, और प्लांटर रिफ्लेक्स बेबेंस इस पॉजिटिव या एक्सटेंसर है और हाथ का भी एक्सटेंस है, इसको बैलेंस साइन बोलते हैं। तो इतना हमने पक्का कर लिया, नोटबुक में नोट कर लिया। अब मैं आगे जाता हूँ, जो सेकंड पार्ट है वो है डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आप लोग सब जानते हैं, मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा लेकिन इतनी बात पक्का आप तक फिर से पहुँचाऊँगा कि ये जो ये ग्रुप ऑफ डिसीज है इसमें बच्चे में प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ मसल मास होता है। बच्चे में मसल मास जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, दोनों मास वाइज भी और पोटेंशियल वाइज भी। इसे जैसे सीपी में कई सारे प्रकार थे, वैसे ही कई सारे प्रकार डिस्ट्रॉफी में भी है। सबसे जो मेन पार्ट है जिसको हम कई बार देखते हैं वो है DMD, व्हाट इज ड्यूजेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आप में से कई लोगों ने इसको देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। क्या है इसके साइंस एंड सिम्टम्स? फ्रिक्वेंट फॉल, डिफिकल्टी इन राइजिंग फ्रॉम लेइंग और सिटिंग अप पोजिशन। एक बार बच्चा नीचे बैठ गया तो बहुत ही मुश्किल से या किसी की सहायता के बिना खड़ा नहीं हो पाता। ऑब्वियसली ट्रबल इन रनिंग एंड जंपिंग, बैडलिंग गेट। फिर से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई बात आप समझ नहीं पा रहे हो तो ज़रूर नोट करके रखिए, हम डिस्कस कर पाएंगे।
walking on toes, large calf muscles, muscle pain, stiffness, वो सब बाद में होगा, and learning disabilities. तो dystrophy एक ऐसी group of disease है जिसमें बच्चों के muscles में धीरे धीरे कमजोरी आना चालू हो जाता है. सबसे कॉमनेस्ट है BMD, Duchenne मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. होता क्या है, फ्रिक्वेंट फॉल, डिफिकल्टी इन राइजिंग फ्रॉम लाइंग और सिटिंग पोजिशन, प्रॉब्लम्स इन रनिंग एंड जंपिंग, वैडलिंग गेट, वॉकिंग ऑन टोज, लार्ज काफ मसल्स एक्सेट्रा. DMD इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड कॉज ड्यू टू एन अब्सेंस ऑफ एन प्रोटीन दैट इज डिस्ट्रॉफिन विच कीप्स मसल सेल्स इंटैक्ट. मसल जो टिश्यू है मेरा, अगर उसे हमेशा अच्छा रहना है तो एक प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, और उस प्रोटीन की कमी की वजह से इन बच्चों में धीरे धीरे मसल जो है अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर खोने लगते हैं. ये डिस्कस किया हमने, ये मेन ग्रुप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और ये क्योंकि ये बड़े बड़े मसल्स हैं शायद बच्चा चल फिर नहीं सकता और एक तकलीफ की स्थिति आती है. ये बात हमने की थी ग्लोबल साइन, देखिए बच्चा बैठा हुआ बच्चा सीधे से खड़ा नहीं हो पाता, उसे धीरे धीरे सहारों के साथ साथ खड़ा होना पड़ता है. ये कार्डिनल चीज़ है, इसको एक बार हमने पक्का कर लिया तो उसे हम ग्लोबल साइन बोलेंगे, और ये पक्का करेंगे कि ये बच्चा DMD का है. ये बातें हम कर चुके हैं, शायद फिर कुछ सवाल हो तो वापस आएंगे. ये बहुत ज़रूरी है, इसे बोलते हैं सुडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल्स. भले ही बच्चा डिस्ट्रॉफी का है, भले ही बच्चे में धीरे धीरे मसल कम होते जा रहे हैं, फिर भी देर इज अ सुडो हाइपरट्रॉफी. हमें ऐसा लगेगा कि कितने अच्छे खट्टे खट्टे मसल्स हैं, लेकिन इस वक्त हम समझें कि अगर बाकी सारे चीज़ों के साथ साथ सिम्टम्स के साथ साथ हमें ये दिखाई दे तो उसे हमें सुडो हाइपरट्रॉफी समझना चाहिए. दो विषय डिस्कस किए हमने, पहला था CP और दूसरा था डिस्ट्रॉफी और डीएमडी. अब आते हैं तीसरे बात पे, वो है डिलेड माइलस्टोन. बच्चों में डेवलपमेंटल माइलस्टोन पाए जाते हैं, हम सब ने इसको बाय हार्ट किया है, लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा. ऐसे कई बच्चे होते हैं जो ना CP में आते हैं डिस्ट्रॉफी में आते हैं. 3-4 महीने पे बच्चा नेक होल्ड करता है, गर्दन को संभालने लगता है, 5-6 महीने तक भी माँ वेट कर जाती है कि शायद थोड़ा सा चलो ठीक है, मेरा दूध कम आ रहा था, बच्चा वजन से कम पैदा हुआ था, रुकते हैं. लेकिन जो बच्चों के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जैसे 3 महीने पे नेक होल्डिंग हुआ, 5 महीने पे सिटिंग विद सपोर्ट, 8 महीने पे सिटिंग विदाउट सपोर्ट, और सबसे ज़रूरी अराउंड 13 मंथ्स वॉकिंग विदाउट सपोर्ट. बच्चा वैसे तो नॉर्मल है, माता को पहचानता है, पिता को पहचानता है, चीज़ें मांगता है, रिएक्ट करता है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 10 महीने का हो गया है लेकिन बैठ नहीं पाता. बच्चे को हमने देखा, ना ही स्पास्टिसिटी है, टोन भी ठीक है, रिफ्लेक्सेस भी ठीक हैं. तो ये सारे पेशेंट जो लेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, सॉरी डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. भले ही बच्चा CP का नहीं है, लेकिन इस बच्चे में उसके नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स को उसने अटेंड नहीं किया बड़ा होने के बाद भी. 18 महीना, 24 महीना, 36 महीने तक भी मैंने देखा नहीं कि कोई माँ या पिता घर में रुकते हैं, शायद मेरा बच्चा चलेगा. लेकिन 13-14-15 तक हमने देखे हैं कि बच्चे आते हैं, जिसे हम कहेंगे डिलेड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स. और मैं आपको यकीन के साथ कह दूँ कि भले ही CP को हम क्यूर नहीं कर सकते टिपिकल वर्ड्स में, लेकिन आप यकीन मानिए डिलेड माइलस्टोन के बच्चे हम अपने कोशिश से ज़रूर खड़े कर सकते हैं. चलेंगे नेक्स्ट है अर्व्स पैरालिसिस, जो मैंने कहा था कि शायद आप में से कईयों ने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने ये बच्चे देखे हैं. होता क्या है इसमें कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तब डैमेज होता है 5th and 6th कैनियल रूट्स को, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टिपिंग पोजीशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी. यू हैव अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एल्बो अलोंग विद
pronation and forearm flexion of wrist. आपको मैं डायग्राम दिखा दूँ? ये बच्चा आपके राइट साइड पे जो बच्चा दिखाई दे रहा है, आप हाथ देखिए, इसका राइट उसका लेफ्ट, और कंपेयर करिए दूसरे हाथ से, अगर आपको फर्क समझ में आ रहा हो तो। ये है अर्व्स पैरालिसिस। अभी शायद इस पर डिबेट हो सकता है कि क्या ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है क्या, कि मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मेरे लिए लेपन धारण की चीज़ें इसमें पर हुई हैं जो मैं इसके बाद में करूँगा। ये अर्व्स पैरालिसिस है जो बर्थ इंजुरी के अंदर आता है, और जैसा मैंने आपको यकीन दिलाया था कि डिलेड डेवलपमेंट में हम बहुत सारा कर सकते हैं, मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि जो बच्चे मेरे पास आए, भले ही संख्या में दो ही हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ही, और वो भी मैं दावे के साथ कह दूँ कि कोई भी दवाई न देते हुए, कुछ स्पेसिफिक मालिश से ये बच्चे पूरे ठीक हो सकते हैं। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा कि मॉडर्न साइंस इसे ठीक नहीं कर सकता, ज़रूर कर सकता है, लेकिन हम भी हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था अर्व पैरालिसिस। और एक सबसे लास्ट था, वो था वायरल न्यूराइटिस। शायद आप में से कई लोगों ने इन क्वेश्चन को देखा होगा, केस में आपके साथ डिस्कस कर लूँ जो बहुत ही रिसेंट केस है। मेरे पास एक बच्चा आया 13-14 साल का, पिताजी उसको कंधे पे लेके आए, कहना उनका ये था कि डॉक्टर साहब ये चल नहीं पा रहा, पैर में बहुत दर्द, कमर में बहुत दर्द, बच्चा पैर सीधा भी नहीं करता। जब मैंने बच्चे को टेबल पे सुलाने की कोशिश की तो बच्चा सो भी नहीं पा रहा था, इतना माइल जाते इतना पेन था। लेकिन ये बच्चा सिर्फ 8 दिन पहले से ही चल नहीं पा रहा, उसके पहले सब कुछ ठीक, 8 दिन के बाद अचानक बच्चा चलना बंद हो गया, पैर में बहुत दर्द। उन्हें पहले ये लगा कि शायद डर की वजह से या भय की वजह से वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। जब उन्होंने सारी घर की बातें कर ली, उसके बाद वो डॉक्टर के पास आए, और ये क्वेश्चन था वायरल न्यूराइटिस का। इसमें भी हम आयुर्वेद से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमने 5 चीज़ें आप डिस्कस की, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डेवलपमेंटल डीले, वायरल न्यूराइटिस और अर्व्स पैरालिसिस। अब मैं आता हूँ आयुर्वेदिक कंसेप्ट पर। जैसा मैंने आपको कहा था कि हर एक डिसीज का अपना एक कार्डिनल फीचर है, स्पास्टिसिटी है, चल नहीं पाना, बैठ नहीं पाना, शायद हमेशा गिर जाना, हाथ टेढ़ा होना, अचानक चलना बंद होना, ये तो उसके कार्डिनल फीचर ज़रूर हैं, लेकिन साथ साथ में कई सारी चीज़ें और भी होती हैं जिसको हम आयुर्वेदिक कंसेप्ट में इन हेडिंग्स के अंदर समझ सकते हैं। वो है जीर्ण अन्नाभिलाषा, मलदोष, रोक्ष, दौर्बल्य, क्षीण मांसिका, काशता, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय अकर्मण्यता, अप्रसन्न वर्णता, क्षीण बलता, मलबद्धता, अपचय। इन सारी ये सारी बातें भी सीपी के बच्चों में होती हैं, डिस्ट्रॉफी के बच्चों में भी होती हैं, जो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हेल्थ कंसर्न है। हम क्या कर सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर में? हम कौन से पंचकर्म यूज कर सकते हैं? पहला है स्नेह विरेचन, ध्यान देना ये विरेचन नहीं है, ये स्नेह विरेचन है, ये क्या है इसके मैं बाद में आऊंगा। दूसरा है विरेचन, तीसरा है स्नेह बस्ती, और चौथा है ग्रोहण मत्स्य। ये 4 पंचकर्म की चीजें हम इन बच्चों में कर सकते हैं। यह है विशेष उपक्रम, उसमें है षष्टिकशाली पिंड स्वेद, गोधूम पिंड स्वेद, पिजिनचल, शिरोधारा और उद्गरगर। कौन से पंचकर्म हम कर सकते हैं? स्नेह विरेचन, विरेचन, स्नेह बस्ती, ग्रोहण बस्ती। कौन से उपक्रम कर सकते हैं? षष्टिकशाली पिंड स्वेद, गोधूम पिंड स्वेद, पिजिनचल, शिरोधारा और उद्वर। अब पूरे लेक्चर का ये क्रीम स्लाइड है, और ये है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मॉड्यूल फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये बना है वो 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ में। फर्स्ट स्टेप है, इट इज ए, इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट, बी, शोधन
followed by use of rasayan drugs. C, use of medya, rasayan drugs, along with special procedures and snehabasti. D, gap of 2 weeks, जिसमें हमें कुछ दवाइयाँ देनी हैं, कुछ आहार पे ध्यान देना है, कुछ व्यायाम पे ध्यान देना है और कुछ नस भी कर सकते हैं. स्टेप ई है रिपीट सी फॉलोड बाय डी और स्टेप एफ है रिपीट बी आफ्टर एवरी 3 मंथ्स. थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ. कोई भी बच्चा आपके सामने आता है जो मस्कुलोस्केलेटल का हो, आपके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मॉड्यूल ए बी सी डी ई एफ है. ए है पेशेंट को इवेल्युएट करें, कैसे हम डिस्कस करेंगे. दूसरा स्टेप है दैट इज स्टेप बी, शोधन करना है बच्चों को और उसके बाद कुछ रसायन द्रव्यों का प्रयोग करना. हमने ए स्टेप कर लिया, हमने बी स्टेप कर लिया. अब स्टेप सी आती है, इसमें हमें कुछ मेद्य द्रव्य, कुछ रसायन द्रव्य, साथ साथ में स्पेशल प्रोसीजर्स जो डिस्कस किए हमने, उसके साथ साथ स्नेह बस्ती का यूज करना. तो पहले हमने किया पेशेंट को इवेल्युएट किया, दूसरा उसका शोधन करवा लिया और कुछ रसायन द्रव्य यूज किए. तीसरी स्टेप थी कि कुछ मेद्य द्रव्य, रसायन द्रव्य, स्नेह बस्ती और कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स, मतलब पिंड स्वेद, गोधूम स्वेद हमने किए. स्टेप डी है कि सी स्टेप होने के बाद हमने 2 वीक के लिए बच्चों को गैप देना, कोई भी प्रोसीजर नहीं करनी. उसमें हमें कुछ द्रव्य देने हैं, आहार पे ध्यान देना है, व्यायाम पे ध्यान देना है और नस्य हम कर सकते हैं. एक बार स्टेप डी हो गया, 2 वीक का गैप हो गया, जब बच्चा फिर मेरे पास आएगा तो स्टेप ई होगा. इसमें मैं फिर से सी स्टेप करूंगा, मतलब मैं मेद्य द्रव्य यूज करूंगा, रसायन द्रव्य यूज करूंगा, मैं फिर से पिंड स्वेद, गोधूम स्वेद, पिजिंचिल यूज करूंगा और स्नेह बस्ती दूंगा. फिर से ये होने के बाद मैं 2 हफ्ते का गैप दूंगा और ये मैं करता जाऊंगा और हर 3 महीने पे मैं एक बार फिर से शोधन करवा लूंगा. तो ये ए बी सी डी ई एफ स्टेप्स हैं. मैं ये आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे. तो समय और एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत ही है क्या करना है. तो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप है इवेल्युएशन. तो इसमें हमें ये इवेल्युएट करना है कि आपके सामने जो बच्चा है वो भले ही मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का है, लेकिन आयुर्वेदिक सिद्धांत में चिकित्सा करने से पहले इसे जो पक्का करना है कि क्या वो लंघनीय है या ग्रहणीय है. मुझे कई बार ये पूछा जाता है कि इसके वातज पित्तज कफज प्रकार हैं क्या, कुछ और आवृत वात वगैरह है क्या. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुझे शास्त्रज्ञों ने ये खुद कहा कि मोटे तौर पे 2 ही बातें तू कर, जो पेशेंट तेरे सामने आता है उसको डिवाइड कर लंघनीय में या ग्रहणीय में. सबसे सिंपल बात और सबसे प्रैक्टिकल बात. तो हमें ये पक्का करना है कि बच्चा लंघनीय है या ग्रहणीय है. दूसरा है शोधन. शोधन 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, एक है स्नेह विरेचन और एक है विरेचन. मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ आपको समझाने के लिए क्या होता है. तो मैंने पहले बच्चे को इवेल्युएट कर दिया कि क्या ये बच्चा लंघनीय है, क्या ये बच्चा ग्रहणीय है. अगर आपके हिसाब से ये बच्चा लंघनीय है, मतलब लंघन करने के योग्य है, तो उसे हमें विरेचन करना. अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं ये बच्चा तो लंघन करेंगे तो तकलीफ और बढ़ेगी, लेकिन शोधन करना जरूरी है, तो उसके लिए एक नया वर्जन मैंने क्रिएट किया. शायद ग्रंथ में इसका रेफरेंस ना मिले, शायद आयुर्वेद के वैद्य थोड़ा सा नाराज हो जाए मुझ पर, लेकिन मैं उनकी नाराजगी स्वीकार करके इस चीज़ को आपस में रखता हूँ कि ऐसे बच्चों में, जिन बच्चों में मैं लंघन नहीं कर सकता लेकिन शोधन करना जरूरी है, ऐसे बच्चों के लिए मैंने स्नेह विरेचन ये टर्म यूज किया. क्या करना है मुझे इसमें? मुझे इसमें करना है कि बच्चे को मुझे स्नेह देना है, वो मुझे देना है बढ़ते हुए क्रम में. जैसे कि 10 बूंद day 1 पे, सेकंड डे पे 1 ml, थर्ड डे पे 2 ml, फोर्थ डे पे 5 ml, फिफ्थ डे पे 4 ml. आप देख पा रहे हैं कि ये वर्धमान मात्रा में मैं चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ. ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कई सारे बच्चे अच्छे स्नेह पान, सादा घी खाने में बहुत परेशानी करते हैं. तो इसके लिए मैंने
थोड़ी सी छूट ली और बदल ये किया कि 5 ml कोई भी कषाय जो आपको यूज करना है और 5 ml ल्यूक वार्म वाटर ऐड आप करें और उस मिक्सचर में आप ये घी डालें, मतलब मैंने 5 ml कषाय या अरिष्ट ले लिया, 5 ml ल्यूक वार्म वाटर डाला और डे वन पे 10 बूंद घी उसमें ऐड किया, बच्चे को पीने के लिए दिया। दूसरे दिन में कषाय उतना ही लेना 5 ml, पानी उतना ही लेना 5 ml, घी 1 ml डालें। तीसरे दिन 2 ml, चौथे दिन 3 ml, पांचवें दिन 4 ml, छठवें दिन 5 ml। इन 5-6 दिनों में कषाय की और पानी की मात्रा नहीं बदलेगी, वो उतनी ही रहेगी। और आप ये पाएंगे कि 5 ml देने के बाद, शायद 6 ml देने के बाद दिन ऐसा आता है कि माँ आपको कहती है कि डॉक्टर साहब कल से मेरे बच्चे को थोड़े से पतले पतले जुलाब हो रहे हैं। जब ये संख्या 5 के ऊपर हो जाए आप घी देना बंद कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट करूं कि ऐसे बच्चों में, जिन बच्चों में मुझे शोधन तो करना ही है लेकिन बच्चे मेरे लिए लंघनीय, अगर मैं लंघन करूं तो तकलीफ वाली बात हो सकती है, ऐसी अवस्था में हमें यूज करना है स्नेह विरेचन का, जिसमें मुझे विरेचन तो करना है लेकिन सिर्फ स्नेह दे के करना है। अगर बच्चे अच्छे स्नेह पान ले रहे हैं तो सिर्फ स्नेह देते जाइए, 10 ml, 1 ml, 10 बूंद, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, तब तक जब तक आपको ये फीडबैक नहीं मिलता कि डॉक्टर साहब थोड़े से जुलाब पतले हुए 3-4-5 बार, जब इतने हो जाएं आप रुक जाइए, हमारे लिए ये स्नेह विरेचन हो गया। स्टेप 1 हमारा था इवेल्युएशन, कि लंघनीय है कि गृहणीय है, उसके हिसाब से अगर बच्चे को हमें ज़्यादा लंघन हम नहीं कर सकते, शोधन तो करना ही है, तो फर्स्ट स्टेप है स्नेह विरेचन। अब ऐसे एज का कोई वो नहीं है, इसका इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारे लिए एज बहुत मायने नहीं रखता, हमें मायने ये रखता है कि लंघनीय की गृहणीय। हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों में ये मात्रा 6-7-8 ml भी हो सकती है, कोई डरने की बात नहीं, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे लिए मेन एम ये है कि बच्चे का संदास हल्का पतला होना चाहिए। जो दूसरे किस्म के बच्चे हैं जिसमें मैं अच्छी तरीके से शोधन कर सकता हूँ, वो लंघन ये ही है, उसमें मुझे पूरा लंघन करना, क्लासिकल विरेचन करना है। कैसे करूँ? उसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले विरेचन करने से पहले अभ्यंतर स्नेहपान करना पड़ता है, आप ये सब जानते हैं। उसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया, आप अच्छे से लिख सकते हो कि अगर बच्चा 2-5 साल तक का है तो उसका वर्धमान स्नेह मात्रा होगी 5 ml, 7.5 ml, 10 ml, 12.5 ml, 15 ml, और अगर बच्चा 6 साल के ऊपर है, पूरा लंघनीय है, शोषण करना है, विरेचन करना है, पहले घी खिलाना है, तो ऐसे बच्चे में 7.5 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml। इन बच्चों में भी अगर वो अच्छे स्नेह पान नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सस्नेह कषाय पान हम करवा सकते हैं, 10 ml कषाय उतना ही गर्म पानी के साथ वर्धमान मात्रा में हम स्नेह पान कर सकते हैं, जब तक बच्चे में क्लासिकली सम्यक स्निग्ध लक्षण दिखाई ना दे, जैसे कि स्नेहोद्वेग होना। बहुत सिंपल है, माँ हमें आपको कहेगी डॉक्टर साहब 2 दिन से उसके कपड़े बहुत चिकने चिकने हो रहे हैं, साफ नहीं कर पा रही, घी लगा डॉक्टर साहब, घी बाहर आ रहा है, तो हमारे लिए उतना काफ़ी। तो डिस्कस हम ये कर रहे हैं ऐसे बच्चे, जिन बच्चों में जो बच्चे लंघनीय हैं, जिन्हें मैंने पक्का कर लिया, 20 स्टेप था शोधन करना है, इस बच्चे में मुझे क्लासिकल विरेचन ही करना है, उसके लिए मुझे पहले स्नेहपान करना पड़ता है, उसका तरीका ये है, 2-5 साल तक है तो ऊपर वाला फॉर्मूला और 6 के ऊपर है तो नीचे वाला फॉर्मूला। एक बार हमने ये पक्का कर लिया कि इन बच्चों में सम्यक स्निग्धता आ गई है तो बात हम आगे जा सकते हैं। दूसरा है शोधन करने से पहले शोधन करना पड़ता है। क्या बदलाव हमने किए? हमने ये बदलाव किया कि हमने ये पक्का कर लिया कि ऐसे बच्चों में हम कभी भी नाड़ी स्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, भले ऋतु कौन सा भी हो, हमारे इन बच्चों में हम कभी भी नाड़ी स्वेद का उपयोग नहीं करेंगे, नाड़ी स्वेद का ही उपयोग करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नाड़ी स्वेद का ही उपयोग करेंगे और वो भी रुक रुक के करेंगे, और साथ साथ में जब बच्चा नाड़ी स्वेद कर रहा हो तो बच्चे के मुंह में कच्चा कैरी,
या मैंगो बाइट की गोली अगर हो टुकड़े गोलियों की तो और अच्छा। अगर आपका बच्चा गोली मुंह में नहीं रख पा रहा हो तो माँ को आप कह सकते हो कि थोड़ा सा लेमन जूस ले लें, शक्कर डालें और वो पेस्ट दो दो तीन तीन बूंद बच्चे के मुंह में डालते रहें। बच्चे का मुंह सूखा नहीं होना चाहिए। खड़ी साकर बहुत कॉमनली यूज होती है, मैंने बहुत कोशिश की खड़ी साकर को यूज करने की लेकिन बच्चों में खड़ी साकर में यूज नहीं कर पाया। ये उससे अच्छा है कि मैंगो बाइट के पीसेस करके या कच्चा केले के पीसेस करके या फ्रेश लाइम जूस शक्कर डाल के हम यूज कर सकते हैं। हमें इतना ध्यान में रखना है कि इन बच्चों में हमें कभी भी पेटी स्वेप का उपयोग नहीं करना है, नाड़ी स्वेप का ही उपयोग करना है और वो उपयोग होते हुए भी मुंह में कुछ ना कुछ खटी बातें मीठी बातें होनी चाहिए। तो हमने शोधन करने से पहले का अभ्यंत स्नेहपान देख लिया, स्वेदन देख लिया, अब मैं आता हूँ विरेचन पर। ऐसे बच्चों में कैसे करना है विरेचन, मुझे आधी गोली देनी है इच्छा बेदी रस की। आप बिना डरे बिना झिझक के इच्छा बेदी रस को यूज करें। कई बार किताबों में हमने पढ़ा कि ये बहुत कड़क हो जाएगा, बच्चों में आपने बहुत हल्की हल्की बातें यूज करनी है। आप विश्वास से इस बात को पकड़ लें कि इच्छा बेदी रस को आप आधा गोली दे दें। अगर बच्चे की उम्र 2 से 5 हो तो पक्का आप आधा गोली बच्चे को दे सकते हो। कुछ देर रुकने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि बच्चे में वेग नहीं आ रहे तो आप फिर से एक बार आधी गोली इच्छा बेदी की दे सकते हैं। हमने बदलाव फिर से क्या किया, हमने बदलाव ये किया कि हमने जब बच्चा विरेचन के लिए आपके पास है आधी गोली ले चुका है तो उसके बाद हम बच्चे को एक मिक्सचर देते हैं पीने के लिए, वार्म वाटर शुगर सॉल्ट। मैं फिर से एक बार माफी मांग लूँ सारे आयुर्वेदिक वैद्यों की कि ये शायद शास्त्र में नहीं है लेकिन हमें एक कर्म करना है, सिद्धता करनी है तो कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ती है। बात सिर्फ इतनी है कि ये जो मिक्सचर है वो बच्चे को सिप बाय सिप देना है। बच्चा चम्मच से पिएगा, बच्चा बॉटल से नहीं पिएगा, बच्चा कटोरी से नहीं पिएगा, सिप बाय सिप पिएगा। तो बच्चा बच्चे ने आपके बच्चे ने अभ्यंत स्नेहपान कर लिया है, सम्यक स्निग्धता आ गई है, स्वेदन कर लिया है, दिन आ गया विरेचन का, अपने फिर से एक बार उसको मालिश कर लिया, स्वेदन दे दिया और आधी गोली इच्छा बेदी की दी। अगर उसके बाद एक भी वेग ना आए 2 घंटे में तो उसके बाद आप और आधी गोली दे सकते हो। साथ साथ बच्चे को वार्म वाटर शुगर सॉल्ट का सिप बाय सिप मिक्सचर देते रहना है और हॉट वाटर बैग यूज करना है। इस प्रोसीजर से आप बहुत ही आसानी से विरेचन कर पाते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह दूं कि ऐसे कई सारे विरेचन हमने हमारे हॉस्पिटल में किए हैं, आप यकीनन इससे यश पा सकते हैं। तो और पीछे चला जाऊं और वापस मिस्टर पे आता हूं तो डिस्कस हमने फर्स्ट पार्ट किया था इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट, उसमें हमने कहा था कि हमें पक्का कर लें कि लंघनीय है कि गृहणीय है, तो हमने कर लिया। उसके बाद हमें बच्चे का शोधन ही करना है, सिर्फ तय ये करना है कि सिर्फ स्नेह विरेचन करूं मतलब सिर्फ स्नेह दे के विरेचन करूं कि रेगुलर विरेचन करूं। स्नेह विरेचन करना है तो हमें सीखा कि हमें सिर्फ स्नेह बढ़ाते जाना है और रुकना है जब तक संदास हल्का पतला ना हो जाए। और विरेचन टिपिकल कसर विरेचन करना है, पहले मुंह से घी देना फिर रुकिए जब तक स्नेह स्थिरता नहीं होती, स्वेदन करिए और इच्छा विधि के गोली से विरेचन करिए। एक बार हमने शोधन कर लिया उसके बाद स्टेप 3 आती है, यूज ऑफ वेद्य रसायन ड्रग्स अलॉन्ग विथ सम पाचनीय द्रव्यास फॉर अ वीक और 2 वीक्स। तो पहले हमने इवेल्युएट किया, फिर हमने शोधन किया, उसके बाद 1 या 2 हफ्ते तक हमें बच्चों को सिर्फ वेद्य और रसायन द्रव्य देने हैं और हल्के हल्के पाचनीय द्रव्य जिससे कि दवाई पचने में कोई मुश्किल ना। 1 या 2 वीक क्यों, ये पूरी तरह तरह से पेशेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमें ये लगा कि पूरा 1 वीक बच्चा अच्छे से खाना मांग रहा है, खा रहा है, स्कूल अच्छे से हो रहा है, संडा अच्छे से हो रहा है, आप 1 वीक करिए। अगर हमें लगा कि नहीं मतलब एक अच्छे से नहीं है तो आप 2 वीक तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं अगली बात पे, वो है यूज़ ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स। मैं थोड़ा सा पीछे और चला जाऊँ, पेशेंट को हमने इवेल्युएट किया, ए क्रॉस कर दिया, बी था शोधन हमने क्रॉस किया, सी पे हम आए मेध्य रसायन द्रव्य को यूज करना और यूज ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स। वो है इसमें मेध्य रसायन में क्या देखिए कुछ
थोड़ा सा बता। वही जो कोई खास नहीं, वही शंकर पुष्पी, वही ब्राह्मी, वही सारे द्रव्य, कोई नया अलग द्रव्य नहीं। और मैं कोई बड़ी दवाई यूज नहीं करता, जैसे स्मृति सागर हो गया, क्योंकि जो क्लास पेशेंट मेरे पास आता है मैं ऐसा समझता हूँ कि उसके लिए सारे द्रव्य काफ़ी हैं। अब आगे आता हूँ यूज ऑफ स्पेशल प्रोसीजर्स पे। अब ये बहुत ज़रूरी है, जब बच्चा आपके पास आया है ये आपका SOP है, आप बच्चे को पहले करोगे उद्वर्तन 3 to 5 days। क्या है उद्वर्तन? उद्वर्तन यह है कि एक सूखे पाउडर से आपको प्रतिलोम बच्चे को अभ्यंग करना है। बहुत ही बड़े पैमाने पे यवक प्लथ का चूर्ण यूज करते हैं, खासकर केरलन संस्कृति में। हमने भी कोशिश की, थोड़ा सा मिलने में मुश्किल, थोड़ा सा पाउडर करने में मुश्किल, कुछ पेशेंट लेके आते हैं। अगर कुछ पेशेंट्स लेके ना आए तो शुंठी मुस्का चूर्ण का यूज हम कर सकते हैं उद्वर्तन के लिए। तो ये शुंठी मुस्का या फाइन पाउडर ऑफ यवक प्लथ हमें बच्चे को प्रतिलोम दिसना है। कितने दिन? 3 या 5 दिन। ऐसे क्यों? तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि वैद्य अपने नाखून से, कटे हुए नाखून से एक स्क्रैच मार ले बच्चे के बदन पे, अगर वो स्क्रैच उसको दिखाई दे जाए उस दिन आप उद्वर्तन रोक दीजिए। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, उद्वर्तन करना है 3 से 5 दिन, लेकिन ये एक रफ टर्म है। कब तक करना है? जब तक कटे हुए नाखून की उंगली से आपने बच्चे के बदन पे स्क्रैच किया और वो स्क्रैच दिखाई देने लगे, हमें तब तक करना है, भले वो दिन 3 हो 4 हो या 5। उसके बाद का कर्म है पिजन जेल। सबको पता है, मैं इसमें बहुत बातें नहीं करूँगा, लेकिन जिनको ना पता हो उनके लिए मैं फिर से एक बार कह दूँ कि पिजन जेल एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम बहुत सारा स्नेह तेल यूज करते हैं। मैं मस्कुलोस्केलेटल के बच्चों में पिजन जेल प्रतिलोम करता हूँ, मैं पिजन जेल प्रतिलोम करता हूँ। इसमें होता क्या है कि बच्चों को हमने टेबल पे सुलाया, 4 वॉलंटियर्स खड़े हो गए, 2 हाथ के पास में और 2 पैर के पास में, दोनों वॉलंटियर्स के बीच में गैस पे उबलता हुआ तेल होना चाहिए। उस उबलते हुए तेल में आपने कपड़ा भिगोया, आपके फिस्ट में लिया और 4 उंगलियों से दबाया, अंगूठे से एक धारा नीचे आएगी बच्चे के बदन पे, वो धारा गिरेगी, उसके पीछे पीछे आप अपने दूसरे हाथ से संवहन करेंगे। ये पिजन जेल का प्रोसीजर है जो हम करते हैं 10 दिन के लिए। तो 3 दिन पहले उद्वर्तन किया, फिर 10 दिन हमने पिजन जेल किया, उसके नेक्स्ट 10 डेज होता है षष्टिक शालिक पिंडस्य। मैं जानता हूँ ये सबको पता है कि षष्टिक शालिक पिंडस्य क्या होता है। थोड़ा सा अलग चीज़ जो मुझे कहनी हो यह है कि हम कई बार षष्टिक शाली के लिए नहीं रुकते, हम बच्चों में वो चावल यूज करते हैं जो चावल आम तौर पे हम घर में पका के खाते हैं, क्योंकि अगर ग्रहण करना है मेरा काम है तो षष्टिक शाली से भी ग्रहण होगा और जो शाली हम घर में खाते हैं उससे भी ग्रहण होगा। सस्ती होती है, पेशेंट आराम से लेके आता है और परिणामों में कुछ खास फर्क नहीं है। तो जो षष्टिक शाली पिंड से हम करते हैं वो रूटीन राइस का होता है। कुछ बातें मैं और कह दूं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शायद आपको किताबों में ना देखने को मिले, वो ये कि मैं षष्टिक शाली पिंड स्वेद या शाली पिंड स्वेद को एक ब्रूहण स्वेद समझता हूँ। कृपया गौर कीजिए इस बात पे कि सारे के सारे स्वेदन प्रकार जो हैं वो लंघनीय हैं, वो चीज़ों को कम करते हैं। कि मेरे खुद का यह मानना है कि षष्टिक शाली पिंड स्वेद ये ब्रूहण स्वेद है और वो बच्चों में बहुत जरूरी है। और चौथा है गोधूम पिंड स्वेद। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसको देखा है, लेकिन हम हमारे हॉस्पिटल में इसको कॉमनली यूज करते हैं। ये गेहूं का बना होता है, जैसे आप शाली को पकाते हो वैसे ही आपको गेहूं को पकाना है। गेहूं कोई खास है क्या? बिल्कुल नहीं, जो गेहूं हम घर में खाते हैं उसी का ही पिंड बनाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि गेहूं बहुत कड़क होते हैं, माँ को बताना है हमें कि आप एक रात पहले गेहूं को गर्म पानी भिगो के रखिए और अगली बार सुबह कुकर में डाल के 5-6 छीटियां निकाल दीजिए, तब गेहूं हल्का हो जाएगा, पिंड हो जाएगा।
बाकी सारी प्रोसीजर वैसी ही है जैसी हमें शाली पिंड के स्तर पर करनी है। ये कैसे करना है अगर ये किसी को जानना है तो हम सबसे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हमें जो चीज़ें यूज करनी है वो है उद्वर्तन 3 से 5 दिन, जिन छिन अच्छा काफ़ी सारा स्नेह यूज करके 10 दिन, फिर है शाली पिंड 10 दिन, शाली वही रहेगा जो जो हम खाते हैं, दूध भी हम यूज करते हैं पिंड स्वेद में, वो भी आपको मैं कह दूँ कि कई सारे लोग उसको सिद्ध करते हैं, उसमें बला डाला, अश्वगंधा डाला वगैरह वगैरह। मैं जो बच्चों में दूध यूज़ करता हूँ प्लेन दूध होता है, उसमें कोई सिद्धता नहीं होती, तो शाली यूज़ करते हैं जो वही शाली जो हम घर में खाते हैं, और दूध वही है जो उसमें कोई सिद्धता नहीं है, प्लेन दूध है। अब मैं आता हूँ आगे बस्ती पे, तो हमने बच्चे को इवेल्युएट किया, फिर शोधन किया, रूटीन में ड्रग यूज़ किए, रूटीन रसायन ड्रग यूज़ किए, वही शतावरी, वही आमलकी, कोई अलग बात नहीं, वही पुनर्नवा, वही गोक्षूर, कुछ पचनीय द्रव्य किंगवश तक हो गया, षटधरण हो गया, कोई अलग बात नहीं, एक या दो वीक के लिए। उसके बाद ये प्रोसीजर्स करनी है लगभग 1 महीने के लिए, उद्वर्तन, पिजिन चिल, शाली पिंड स्वेद और गोधूम पिंड स्वेद। फिर हमें देनी है बच्चे को बस्ती, बस्ती पे मुझे थोड़ा सा और बात करनी पड़ेगी, पहले मैं आगे की बातें खत्म कर लूँ। बस्ती को साथ साथ में हमें यूज़ करना है, उसके बाद हमें यूज़ करने हैं रसायन और मेड्य ड्रग्स, फिर हमें जब ये पूरी चीज़ हो जाए, मतलब स्पेशल प्रोसीजर्स अलॉन्ग विथ बस्ती अलॉन्ग विथ रसायन ड्रग्स, ये पूरा कोर्स हो जाए 30 दिन का, उसके बाद हमें 2 या 3 वीक्स के लिए गैप देना है, कोई भी कोर्स नहीं करना, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। इन 2 या 3 हफ्तों में हमें सिर्फ बच्चों को देनी है वही पाचनी ड्रग्स, वही ब्रूहन ड्रग्स, वही मेड्य ड्रग्स और ब्रूहन आहार, बहुत जरूरी है ग्रहण आहार। संवहन मतलब माँ को हमें घर में तेल देना है, बला तेल, अश्वगंधा तेल, कि आप अभ्यंग कर, आपको बहुत ही आराम से बच्चे को मालिश करनी है, ताकत बिल्कुल लगाए बिना, व्यायाम का बहुत बड़ा रोल है और नस्य हम कर सकते हैं। तो नस्य कैसे करना है और बस्ती कैसे करनी है मैं डिस्कस बाद में करता हूँ, पहले इस पर खत्म कर लूँ कि 2 हफ्ते का हमने गैप दिया, इस गैप में हमने बच्चे को ड्रग्स दिए, पाचनीय, ग्रहण, मेध्य, आहार दिया, संवहन घर में ही माँ को करना है, व्यायाम और नस्य। और एक बार ये जब पूरा हो जाए, गैप पूरा हो जाए 2 या 3 हफ्ते का, फिर से हमें कोर्स को रिपीट करना है शोधन के बाद में। देखिए एक बार हमने 2 दिन का गैप पूरा कर लिया, फिर हमें सी और डी रिपीट करना है, मतलब फिर से 30 दिन उद्वर्तन होगा, पिंड सेट होगा, शाली पिंड होगा, गोधूम पिंड होगा, साथ साथ में बस्ती होगी, साथ साथ में ड्रग्स होंगे, उसके बाद 2 वीक का गैप होगा, ये हम रिपीट करेंगे और शोधन हमें करना है हर 3 महीने में एक बार। थोड़ा सा मैं बात कर लूँ ग्रहण या आहार पे, आहार कोई खास बात नहीं है, वही आहार जो हमें ग्रहण करता है माँ घर में दे सकती है। कुछ अलग बातें हमने इसमें की, उसका मैंने नाम रखा है शिवयोग आहार, शिव मेरे कॉलेज का नाम और योग इसके योग रत्नाकर में ये आया है। बहुत ही आसान तरीका है, 2-3 चम्मच घी लेना है, उसमें गेहूं का पाउडर डालना है, तो हम पीट बोलते हैं, आटा बोलते हैं, और उसको अच्छे से फ्राई करना है, 1-2.5-5 मिनट के बाद अच्छे से फ्राई होता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है, तो शक्कर डालनी है, गैस से नीचे निकालना है, अच्छे से और फ्राई करना है, उसको संभाल के रखना है। बच्चे इसको आसानी से खाते हैं और ये बहुत ही अच्छा ग्रहणीय है। कुछ बच्चे अगर खा नहीं पाते तो दूध में काफ़ी हद तक अच्छे से मिल भी जाता है, तो ये जरूर रिपीट कर देंगे ना, प्लीज़ रिपीट करिए। ये मैडम बहुत सिंपल बात है, थोड़ा सा घी आप लीजिए एक बर्तन में, गर्म करिए, उसमें 1-2 चम्मच गेहूं का आटा डालिए, बस उसको फ्राई करिए, कलर बदल जाएगा, जैसे कलर बदल जाएगा, ब्राउनिश हो जाएगा, निकाल के शक्कर डालिए, फिर से हल्का सा फ्राई करिए 2-2.5 मिनट के लिए और निकाल दीजिए गैस पे से, और इसको आप आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता 2-4-5-6-10 दिन, और उसको हम रोज़ देंगे तो बहुत ही आसानी से बच्चे खाते हैं, बहुत ही टेस्टी है। जो बच्चे ऐसे रॉ नहीं खाते, उनको दूध के साथ भी आप दे सकते हो, अच्छे से बच्चे खाते हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे और चला जाऊं, ये डिस्कस किया हमने, ये भी डिस्कस किया हमने, ये डिस्कस किया,
अब मैं बस्ती पे आता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से त्रिबस्ती है, क्योंकि मेरा बच्चा ब्रोहणीय है, मैं लंघन ज़्यादा नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नया तरीका निकाला बस्ती देने का, उसका नाम दिया स्नेह बस्ती। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये पता नहीं है कि हर बच्चे में कितना डोज मैं बस्ती का दूँ, इसीलिए हर बच्चा किसी भी उम्र का क्यों ना हो, हमें पहला स्नेह बस्ती का डोज देना है 10 ml। कृपया इस बात को समझिए, हर बच्चा किसी भी उम्र का क्यों ना हो, हमें देना है फर्स्ट डोज 10 ml, और उसके बाद हर दिन 5-5 ml बढ़ाते जाना है, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35, सो एंड सो फोर्थ। अब जब मुझे माँ ये बोलेगी, अब इस एग्जांपल में मैंने फर्स्ट डे 10 ml दिया, फिर 15 दिया, 20 दिया, 25 दिया, पांचवें दिन 30 ml दिया, छठवें दिन मैंने 35 ml दिया। इस केस में सातवें दिन जब माँ मेरे पास आई, इसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कल आपने बस्ती दी मेरे बच्चे को, तो घर में जाने के बाद 3-4 बार पतले जुलाब हुए, मेरे लिए ये क्राइटेरिया है। जिस दिन माँ ये मुझे बोलेगी कि बच्चे में 2-3 पतले जुलाब हुए, उसका प्रीवियस जो डोज है बस्ती का वो मुझे कंटिन्यू करना। अब इस केस में डे 1 पे 10 ml, 2 पे 15, 3 पे 20, 4th पे 25, पांचवें दिन 30 ml दिया था मैंने, छठवें दिन मैंने 35 ml दिया, लेकिन मैंने ये पाया कि 35 ml देने के बाद उस बच्चे में 2-3 बार पतले जुलाब हुए, तो मैंने उस बच्चे के लिए 30 ml ये स्नेह का डोज पक्का किया, और उस बच्चे में मैं पूरे 30 या 33 दिन जब तक मैं उद्वर्तन पिजनचिल शाली पिंड और गोधुम पिंड का कर्म नहीं करता, मैं 30 ml का ही बस्ती दूंगा। ये डोज जो है वो हर बच्चे में डिफर करता, लेकिन एक बार जब उस बच्चे का डोज पक्का हो गया, तो वो बच्चा जब सेकंड कोर्स के लिए आपके पास आएगा, सेकंड टाइम आपके पास पिंड से के लिए आएगा, आप बस्ती उसको डायरेक्ट 30 ml ही देंगे। मैं ये समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, मुझे सिर्फ उस बच्चे में स्नेह बस्ती का डोज पक्का करने के लिए इन चीज़ों को करना पड़ता है, और यकीन मानिए हर बच्चे में डोज अलग अलग होता है, लेकिन एक बार डोज पक्का हो गया, मुझे हर बार उसको वही डोज देना है, हर बार 10 ml से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। देने का तरीका थोड़ा सा अलग ये है कि मैं बच्चों में इन्फेंट फीडिंग ट्यूब यूज करता हूँ, कारण सिर्फ इतना ही है कि मैं इन्फेंट फीडिंग ट्यूब से बच्चों को बहुत ही धीरे धीरे स्नेह बस्ती दे पाता हूँ। मुझे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में बस्ती से शोधन करने की उम्मीद नहीं है, मुझे बस्ती से सिर्फ ग्रोहण ही करना है, इसलिए मैं निरूह बस्ती यूज नहीं करता, मैं केवल स्नेह बस्ती ही यूज करता हूँ। डोसेज कैसे यूज करता हूँ मैंने आपको समझाया, देने का तरीका सिर्फ इतना ही अलग है कि मैं मुझे बच्चे को इन्फेंट फीडिंग ट्यूब्स पे बहुत ही धीरे धीरे देना पड़ता है। अब मैं नेक्स्ट चीज पे आता हूँ, नस्य रह गया, नस्य में बहुत यूज नहीं करता, हाँ लेकिन जब बच्चा 2 हफ्ते के गैप पे जाता है, तो एक बार दिखा दूं, देखिए अपना 8th पॉइंट है, बच्चा 2 दिन या 3 वीक के गैप पे है और वो घर में ही पाचनीय द्रव्य, ग्रहणीय ड्रग, शिवयोग आहार ले रहा है, घर में ही संवहन कर रहा है, तब जाके नस्य आता है। नस्य कैसे कैसे करना, मैं सिर्फ माँ को ये समझाता हूँ कि बच्चे के नाक में आप घी अप्लाई करिए, जिसे हम प्रतिवर्ष नस्य कहते हैं, और वो वेद्य द्रव्य का हो या ग्रहणीय द्रव्य का हो तो बहुत ही अच्छा, अगर वो नहीं मार कर पा रही तो प्लेन घी से भी चलेगा। मैंने ब्रूहण या वेद्य द्रव्यों का नस्य बहुत बच्चों में यूज नहीं किया, उसकी जगह पे जब बच्चा 3 हफ्ते के गैप पे होता है, तब मैं माँ को समझाता हूँ कि आप दवाइयों के घी से या घर में ही जो घी आपके पास है, उस घी को बच्चे के दोनों नॉस्ट्रिल्स में 3-4 बार सिर्फ लगाते रहिए, इससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये सब डिस्कस किया मैंने, इसमें कुछ अगर करने में दिक्कत आपको लगती है तो हम बाद में डिस्कस कर पाएंगे। ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं, ये पिंडस्वेद का है, आप तेल देख पा रहे हो, एक कॉटन का कपड़ा देख पा रहे हो, ये शक्तिशाली पिंड, ये शक्तिशाली है, दूध है, लेकिन जैसे मैंने कहा शक्तिशाली ही यूज करना है, ऐसा कोई भी ये कंपल्शन नहीं है, वो पिंड बनाया है जिस पिंड से हम करते हैं।
वही पिंड है। देखिए छोटे बच्चों में भी हम ये आराम से करते हैं। एक बात मैं पक्का कर दूं कि कोई भी नियम मत रखिए बच्चों में ये करते हुए, जैसे सोना ही चाहिए, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं सोते, कुछ बैठे बैठे करवा लेते हैं, कुछ माँ के गोदी में करवाते हैं, कुछ पिता के कंधे पे करवाते हैं। हमारे लिए करना ज़रूरी है, बहुत कड़क मत बनिए नियमों में कि सोना ही है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। बच्चा जैसे कंफर्टेबल हो आपको करना है, करना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूर नाम लूँगा मेरे इंटर्न्स का, बहुत ही ईमानदारी से करते हैं मेरे बच्चे और उसी की वजह से कुछ रिजल्ट दिखाई देते हैं। एक इंडस्ट्रियल है ये अन्न लेकर, जब पिंडस्वेद हो जाए तब जो पतला पतला पेस्ट अंदर रहता है उसको हमें कुछ मिनट्स के लिए बच्चों के ऊपर लगा के रखना है, ये वो अन्न लेक है, और उसके बाद वो निकालना है। अब कुछ मैं डेटा आपके साथ शेयर करूं, समय कम है थोड़ा समय फास्ट करता हूं। दोस्तों ये डेटा जो है वो 135 बच्चों का है, छोटे इसको ध्यान दीजिए, ये कोई एक दो तीन चार बच्चे नहीं है, 135 बच्चों का ये डेटा है जिसमें हमने चीज़ें पाई। जैसा मैंने कहा था कि सिर्फ चलना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा चलना ही चाहिए और चला तो ही मेरा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल है, जो चलने के साथ साथ कई सारी दिक्कतें बच्चों में आती है, बच्चा सोता ही नहीं है, बच्चे खाना हजम ही नहीं होता है, संडास होता ही नहीं डॉक्टर साहब, बहुत कड़क होता है, खून गिरता है डॉक्टर साहब, स्किन बहुत रफ हो गई है डॉक्टर साहब, खून, ऐसे कई सारी बातें हैं। इसको भी हमने अगर एड्रेस किया तो भी बहुत कुछ अच्छी भी हमने किया। जो हमने ए बी सी डी ई एफ प्रोसीजर हमने किया था वो करने के बाद देखिए डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है मोर देन 30% ऑफ पेशेंट्स में, स्लीप इम्प्रूव हुई है ऑलमोस्ट 25% ऑफ पेशेंट्स में, कितनी बड़ी बात है। फिजिकल एनर्जी इम्प्रूव हुई है ऑलमोस्ट 20% ऑफ पेशेंट्स में, कार्डियो वैस्कुलर एक्टिविटीज माइल्ड इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया 25% के बच्चों में, डिस्कम्फर्ट एंड पेन ये कहना बहुत आसान है, वो माँ समझती है वो पिता समझता है कि अगर मैंने बच्चे का दर्द कम किया, बच्चा थोड़ा सा मेरा सोया, ये बहुत बड़ी बात है। डिस्कम्फर्ट एंड पेन में रिजल्ट मिला मोर देन 20%, डाइनेस ऑफ स्किन मोर देन 50%, इंप्रूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्शन मोर देन 20%, इंप्रूवमेंट ऑफ इन फटीग मोर देन 25%, इंप्रूवमेंट इन इम्यून सिस्टम, ये बच्चे बहुत बीमार पड़ते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सर्दी होना, खांसी होना, कई बार बच्चे बहुत ही तुरंत जाते हैं ब्रोंकाइटिस में या निमोनिया में, तो ऐसे ही हमें पाया कि अगर हम ये कोर्स करेंगे तो वो भी इम्प्रूवमेंट बच्चों में होता है। फिजिकल एंड्योरेंस वो भी अच्छा है, फिजिकल वेलनेस मेरा बच्चा थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा गया मेरा यह हफ्ता, इज ऑल्सो ईजीली सी। कुछ और चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं उसमें मज्जा बस्ती है, बहुत से पेशेंट्स में हम यूज़ नहीं करते, पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस करके माता के साथ पिता के साथ अगर वो कंफर्टेबल हैं तो हम सीपी के बच्चों में खास करके मज्जा बस्ती यूज़ करते हैं। ये भी मेरे इंटरेस्ट ने किया है, इंटरेंस की एक बड़ी गोल है और ये मज्जा बस्ती है जो हम आराम से दे सकते हैं। ये मज्जा बस्ती में भी आपको मैं कह दूँ कि हर बच्चे का कोर्स फिक्स नहीं है, फिर एक बार हमें 10 एमए से शुरू करना है, 10, 15, 20 वैसे ही जैसे हमने स्नेह बस्ती पे किया था, और हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डोज पक्का करना है। कुछ बच्चों में शुभधाराएँ की जा सकती हैं, हाँ हर एक बच्चे में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आराम से कर सकते हैं। ADHD के बच्चे हों या ऑटिज्म के बच्चे हों उसमें हम आराम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉफी के बच्चे CP के बच्चे हम कर सकते हैं। अब मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ये मैं पहला वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बच्चा डिलेड मैसोन का है, और देखिए मेरे बच्चे कैसे उसको उसका मालिश कर रहे हैं, ये मेरे इंटेंस है। मैं फिर से एक बार प्ले कर दूं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि ऐसे ही करना है, सुला के ही करना है, शास्त्र में यही कहा है, इस बात पे मत अड़िए, जैसे बच्चा करवा लेता है आप करिए। मैं बहुत नसीब वाला हूं कि मुझे बहुत अच्छे इंटरेस्ट मिले, तो बहुत जी जान से कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर से कुछ शेयर करूँ, ये शारीरिक पिंड था,
अब मैं आपको इसी बच्चे का वीडियो दिखाता हूँ जिसने मुझे माँ ने शेयर किया। सॉरी प्लीज ध्यान दीजिए, ये वही बच्चा है जो डिलेड माइसोन का था। बच्चा कोशिश कर रहा है खड़ा होने की, बच्चे ने सपोर्ट लिया, बच्चा खड़ा हो गया। अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है पैरों में, आप देख पा रहे हो, लेकिन बच्चा खुद के पैर बल्कि चल पा रहा है। और इतना ही नहीं, आगे जाके बच्चा देखिए, ये वही बच्चा है कि जिस बच्चे का मैंने आपको दिखाया था बच्चे प्रेजेंट कर रहे थे, तो मैं रिपीट कर रहा था, बच्चा सीपी का नहीं था, बच्चा डिलेज मेडिसिन का था, लेकिन सिर्फ हमारे ए बी सी डी ई एफ इस प्रोसीजर से ही यू कैन सी द इंप्रूवमेंट। बच्चा चला भी और उस खुद को लिफ्ट भी किया। अब हम आगे जाते हैं, कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं। जो मैंने आपका केस डिस्कस किया था सेरेब्रल सीपी का, अब वो मेरा ये बच्चा है। इसमें होता ये है, मैं पहले समझा दूं, इसमें ये होता ये है कि बच्चा चल तो सकता है लेकिन बहुत ही वेवी चलता है, वो सीधा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम इन्वॉल्व है, कंट्रोल नहीं है बच्चे को, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, बच्चा खुद टर्न नहीं हो सकता। ये वो बच्चा है, हमने कोर्स करने के बाद आप देखिए बच्चे एक लाइन में चल पा रहा है। फिर मेरे इंटर्न्स हैं, मैं सिर्फ ऑर्डर्स करता हूँ, सारी कोशिशें वही करते हैं, मेहनत वही करते हैं, सारी मेहनत उनकी ही है। अभी भी थोड़ा सा वेवी है, कम है, लेकिन वो उसी एक ब्रैकेट में चल रही है। अगर आप मार्क कर पा रहे हो, अब जरूर देखिए बच्चा खुद ही टर्न भी हो गया बिना गिरे। फिर से एक बार देखते हैं, जो दो खींची हुई लाइंस है उसको वो बाहर नहीं जा रही, भले ही वाइड गेट हो, हाथ भी खुले हुए हो, उसने खुद से टर्न किया, फिर से लाइन में चल रही है। उसने फिर से खुद को टर्न कर पा लिया। अब मैं आगे जाता हूं, ये अभी जो डिस्कस मैंने किया था, एक बच्चा मेरे पास आया था वायरल न्यूराइटिस का, सॉरी, जो अचानक चलना फिरना बंद हो गया था, ये बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, लेकिन अभी भी मुश्किल से चल पा रहा है। इस पेशेंट में लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ पिजेंशियल किया था, कोई पिंड स्वेद नहीं किया, क्योंकि ये मेरे लिए पूरा लंघनीय बचा था। और वही बच्चा सारे हमारे इंटर्न्स की मेहनत है। जैसा मैंने कहा आपको कि ये बच्चे तो उसके पिताजी खुद कंधे पे लेके आए थे, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, पहले बहुत परेशानी हुई, लेकिन हमने ये पक्का किया था कि वात व्याधि है, सिर्फ और सिर्फ पिजेंशियल करेंगे। बहुत ही बड़े पैमाने में तेल को यूज़ किया और सिर्फ पिजेंशियल यूज़ किया, और जो बच्चा पैर भी सीधा नहीं कर सकता था वो आराम से चल रहा है। बैठने में बहुत दिन परेशानी थी, अब वो भी कम हो गई। ये बच्चा वायरल न्यूरोटिक्स का बच्चा है। तो कुछ बच्चे हमने आपके साथ शेयर किए, अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ इस पे। और ये सारी की सारा जो यश है, जो भी है, वो मेरी कर्मभूमि का है। ये हमारा आयुर्विद्या प्रसारक मंडल का आयुर्वेद महाविद्यालय, हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये मेरे कॉलेज की और हॉस्पिटल की महानता है, बड़प्पन है कि इतने सारे पेशेंट्स मिलते हैं, इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे कि हर बात को अच्छे से फॉलो करते हैं,
और ये सारा का सारा अगर ये यश है तो ये इस इंस्टीट्यूट का है, मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं। अब आगे हमारा अब्दाल स्कोर, असेसमेंट ऑफ परकुलेशन ऑफ नॉलेज आफ्टर लेक्चर, आप इसको मेक पर इट इज नॉन सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री और वेरी यूजफुल। और अगर आप मुझे फीडबैक दे पाएँ, मैंने मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया है, तो मैं यकीनन आपकी फीडबैक पर ज़रूर सोच के बदलाव करूँगा। इन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर फीडबैक दें। टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच। Ramna, shall I come to video now? Hello? Yes, sir. Shall I come to video now? Yes, sir. You can put on your video. Okay. So, we can turn to third part of this, our CME, question and answer session. Sir? Yes. तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये ऑडियन्स प्रश्न विचारतील, मग तुम्हाला ते वाचून उत्तर द्यावे लागतील, मग ते बरं आहे का बोलायला लावू? कसे ऍज यू फील कम्फर्टेबल। डिअर डॉक्टर्स, यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर ओंकार कुलकर्णी सर। आपने बोला देर से करते हैं इसको, आपने बोला आप प्रतिलोम गति में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या कोई इसका स्पेसिफिक रीजन है? जी जी जी, अब देखिए मैंने खुद के तौर पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो केवल वातजन्य विकृति और एक धातु क्षय विकृति। अभी जो बच्चा था वायरल न्यूराइटिस का, वो मेरे लिए केवल वात विकृति था, तो उस समय पर मैंने अनुलोम किया था। जब मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि यह सिर्फ वात की वजह से हुआ है, मैं अनुलोम गति से करता हूँ, और जब मुझे अंदर के धातुओं को बल देख के वात को जीतना है, मैं प्रतिलोम करता हूँ, ठीक है ना। तो जब मेरे सामने बच्चा सीमी का आता है, डिलेड माइलस्टोन का आता है, जब मुझे वात को अनुलोमन करने से भी धातुओं को बल देना है, मैं प्रतिलोम करता हूँ। आप समझ गए सर? जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। एंड सर, एक और डाउट है, आपने बोला एक्स्ट्रा विक्टर्स को गर्म पानी के साथ देने का, पर सर इच्छा भी थी रस को। ओके ओके, मैं समझ पा रहा हूँ, आपका सवाल यह है कि उसको एंटीडोट है। जी 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 जी, कैसा है सर, हम कई बार बातों को ना अलग रेफरेंस में ले लेते हैं, जैसे कि विरुद्धाहार हो गया, ये वैसा ही है। हमारा कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि गर्म पानी देने से अनुलोमन होना चाहिए, हमारा एम क्या है कि बच्चे को 5, 6, 7, 8, 10 वेग आने चाहिए। साथ साथ में ये भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि बच्चा है न चला जाए डिहाइड्रेशन में, हमने शक्कर और नमक डाला, और इसीलिए हमने कहा कि उसको चम्मच के साथ लेना है। जब वही मात्रा 100 ml हो जाएगी ना गर्म पानी की, तो वो पक्का एंटीडोट हो जाएगा, लेकिन 2-2.5 ml एंटीडोट नहीं होगा। वो गर्म पानी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अनुलोम हो जाए। हेलो सर, हाँ सर, डिस्लेक्सिक मुलांमध्ये आपण काय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ठेवायला पाहिजे, म्हणजे त्यांना डिस्लेक्सिया ठेवावी ट्रीटमेंट? आणि जर असं वाटलं की लहान सहान बदल करता येऊ शकतात तर हरकत नाही, पण ए बी सी डी ई एफ आपण हीच ठेवावी। मध्ये बदल करावे लागतात। अच्छा, हॅलो, हा बोला। हॅलो, हा सर,
न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट मध्ये पोस्ट ऑपरेटिव्ह काळजी म्हणून आपल्याला काय मेडिसिन्स वगैरे चालू ठेवता येतील का? मेड्य रसायन वगैरे असे स्पेसिफिक किंवा मेडिसिन्स असे म्हणजे आता माइलस्टोन वगैरे सगळ्या पेशंटचे नॉर्मल आहे. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऑपरेट केलेला आहे. एज किती आहे मॅडम? एज आता 1.5 इयर आहे. ओके, काय होतं स्पायना बायफिडा होतं काय होतं? हां, पोस्ट स्पायना बायफिडा. ओके, आता सिम्पटम्स काय आहेत? काहीच नाही पेश, आता तरी माइलस्टोन वगैरे पण प्रॉपर आहे, पण फ्युचर मध्ये काय नको आपल्याला कॉम्प्लिकेशन तर असं काही स्पेसिफिक आपण त्यांना सांगू शकतो. तुम्हाला रेकमेंड करू सवाहन सुरू ठेवावं, सर्वांना अगदी हलकी आसन मालिश करणे. एक आईला सांगा की 22 मिनिटं नाही काही नाही, आईला सांगा की 20-22 मिनिटं तेल जिरव, गरम पाण्याने आंघोळ घाल. तिला हे नक्की सांगावं की औषधापेक्षा थोडस ओलं कोबर साखरे बरोबर हा तो थोडासा संवहन करते राहणार 20-22 मिनिट तक के हाथ से. और एक बहुत ही क्या उसे मैं हिंदी में कहूँ, कोकोनट को पीस के घिस के शक्कर के साथ अगर हम दें, क्योंकि हमारे लिए नारियल ये मेद्य है और साथ साथ वो शीत भी है. ऐसे बहुत कम द्रव्य हैं जो शीत होते हुए मेद्य हैं. तो अगर वो पीसे हुए नारियल के साथ शक्कर खा पाएगा तो बाकी अच्छा होगा. मैं दवाइयाँ सजेस्ट नहीं करूँगा, दवाई थोड़ी सी उष्ण है, शोधन करने वाली है, लेकिन ये अच्छा है. और दूसरा है नवनीत, अगर आप समझ पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं मक्खन. मक्खन आपने दही को जमाया, फिर उसमें पानी डाला, छाँस बनाया, ऊपर आया मक्खन. तो ये मक्खन और गीला नारियल ये दोनों शीत होते हुए भी मेद्य हैं और आहार्य द्रव्य हैं. जिन बच्चों में कोई सिम्टम नहीं है उनको दवाई के बिना वजह आप ये दे सकते हैं. सर उसका भी कॉन्स्टिपेशन का सिर्फ प्रॉब्लम सर, ये जो आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया सर, ये जो आपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया ये हर तरह के सीपी के पेशेंट्स में हमें ट्राई करना चाहिए. और जरूर जरूर Please ask your questions in chat box and all of you please mute your mics. How to find it, Dr. Sir? सर ऊपर राइट कॉर्नर पे चैट बॉक्स का मैसेज है जिधर नंबर ऑफ काउंट दिख रहे हैं पर्सन के. हाँ, रेड 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 है क्या सर्कल? हाँ, रेड रेड डॉट पे आप क्लिक करिए, उसी पे अंदर जाएंगे. हाँ, क्लिक करेंगे उसके ऊपर एवरीवन आ जाएगा. एवरीवन में सभी के मैसेज है. हाँ ना सर, मैं ओके. Yes, good question. Dr. Rajesh has asked me that what is the guidelines about samsarjana karma. Very good, I understood. Okay, Dr. Sahab, jaise humne virech mein badal kiye, samsarjana karma jo aapne humne sikha hai, peya vagara vagara vagara, wo hum bachchon mein use nahi. Main bachchon mein virechan hone ke baad, jis din virechan hua, us din raat ko main kehta hun ki aap कड़ी और चावल खाएं. कड़ी करना पॉसिबल नहीं है तो आप दाल चावल खाएं. सेकंड डे मॉर्निंग भी दाल चावल खाएं, शाम को भी दाल चावल खाएं, और थर्ड डे मॉर्निंग से आप रोटी खा सकते हो. समुसर्जनक क्रम जो क्लासिकल मेंशन है वो बच्चों में फॉलो नहीं करते हम. हम ये करते हैं कि डे 1 के ही नाइट को बच्चा कड़ी चावल खाएं
सेकंड डे मॉर्निंग नाइट कढ़ी चावल दाल चावल खाए, थर्ड डे से बच्चा रोटी खा सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर व्हाट टू डू इफ सीपीके लेवल इज वेरी हाई। डॉक्टर विजय ना व्हाट इज सीपीके, सीपीके सीरम फोटोकाइनेज, और वो खून में तब आता है जब अंदर मसल डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो सीपीके कई 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 जगह पे ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है डिस्ट्रॉफीज में आपके डीएमडी में, तो ट्रीटमेंट वही करना है। सी रिमेंबर वन थिंग, मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, आपको भी मैं कह दूँ कि यू नेवर ट्रीट अ रिपोर्ट, यू ट्रीट अ पेशेंट। तो जैसे ही आपने आप अपने कोर्स पे चालू हो जाएंगे तो सीपीके लेवल पक्का डाउन हो जाएगा। लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्राइटेरिया यू डिसाइड वेदर द बेबी इज लंघनीय और गृहणीय। देखिए पहला क्राइटेरिया है वेट, बच्चे का वेट क्या है। दूसरा क्राइटेरिया है उसके हेतु क्या है। तीसरा क्राइटेरिया है व्याधि क्या है। चौथा क्राइटेरिया है लक्षण क्या है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसको हम लंघन करें किसको ग्रहण करें। मैंने एक उसके लिए ये बना है, आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर आप जो अभी देख पा रहे हो वीडियोस है इधर, ठीक है। तो मैं हम चार बातों को पक्का ध्यान रखते हैं। पहला है वेट बच्चे का, दूसरा है बड़ा डिसीज कौन सा है, तीसरा हेतु कौन सा है, और आज पे सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चार बातें हैं, बच्चे का वेट, बच्चे का बच्चे के हेतु, बच्चे का डिसीज और बच्चे के आज के लक्षण। अभी मैं एक लेक्चर सुन रहा था बीच में एक्यूट एब्डोमेन पर, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूँ मेरा व्यू जो बच्चे मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप यकीन मानिए मेरे पास अगर 100 बच्चे आते हैं पेट दर्द के, तो मैं ये धीरे धीरे देख रहा हूँ कि बच्चों में पित्त के हेतु बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, लेकिन पित्त हमने जो सीखा था कि पित्त लक्षण और थोड़ा सा बाद में आते हैं पेशेंट्स में, ये बच्चों में ही अभी बहुत ज़्यादा पित्त की चीज़ें देख रहा हूँ। तो चार चीज़ें मुझे देखनी है ये तय करने के लिए कि लंघन की ग्रहण, बच्चे का वेट क्या कितना है उसके एज के हिसाब से, बच्चे के हेतु क्या कौन से हैं, बच्चे को कौन सा व्याधि हमने किया, और बच्चे में आज के दिन क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बस और एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे लिए बच्चे का स्टूल जो है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। बच्चे को अच्छे आकार का स्टूल होना ये अच्छी निशानी है। अगर मेरे बच्चे में घन शकृत की जगह पे अगर बच्चा 3-4 बार पतले पतले संदास कर रहा है तो मेरे लिए वो लंघन की बात आ गई। तो ऐसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा वेट के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, डिसीज के हिसाब से और उसके हेतुओं के हिसाब से। मैं आगे चलूँ तो पित्त दोषामुळे रुक्षतेमुळे शोष होतात का। स्वप्नाली व्हाट वी आर डीलिंग टुडे इज मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, और इसमें कहा आपको कि शायद मैं बाल रोग का आदमी हूँ, बाल बुद्धि वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं इन व्याधियों में पित्त वात कफ के भेद नहीं करता। कम से कम आज के दिन शायद मैं कर भी लूँ अगर आप जैसे मुझे बच्चे मुझे मिले तो नेक्स्ट 10 साल में, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ डिसीज को डिसीज ऐसे लेता हूँ कि ये माउस है या मेद है या अस्थि इन्वॉल्व है। आप पॉइंट निकाल इसे मैं डिस्कस कर लूँ कि ये सारी जो बातें ना डॉक्टर देखिए क्योंकि कुछ हो रहे हैं बीजों की वजह से है ना, तो इसमें दोषों को थोड़ा सा बाजू में रख दें हम और धातुओं पे आ जाएं। अब 7 धातु हैं, उसके 7 कर्म हैं, प्रीणन जीवन लेपन धारण वगैरह वगैरह। तो ये बच्चा सीपी का आपके सामने आया तो दोषों को बाजू में रखिए और धातुओं को समझिए कि कौन से धातु इन्वॉल्व है। कई बार जवाब सामने से आता है कि सर बज्जा क्योंकि दिमाग पे असर हुआ है, लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि धारण कर्म इन्वॉल्व है, लेपन कर्म इन्वॉल्व है। तो मेरे लिए सीपी के बच्चे में पहला कौन खराब है, तो पहला माउस और अस्थि खराब है।
और धीरे धीरे क्योंकि माउस और अस्थि खराब है, माउस से उल्टी संपत्ति जाती है रक्त और रस की तरफ और अस्थि से जाती है मेद और मज्जा की तरफ। तो मेरे लिए इन व्याधियों में दोषों के हिसाब से भी आप धातुओं पर ध्यान दीजिए। कई बार अस्थि धातुओं की इन्वॉल्वमेंट आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ऐसे पेशेंट्स में हम समझते ही नहीं, लेकिन हमें पक्का समझना पड़ेगा कि खराब क्या हुआ है। खराब दो बातें हुई हैं, खराब धारण हुआ है, खराब लेपन हुआ है। और अगर ये कर्म अस्थि और माउस के हैं तो हमारे लिए वो मेन चीज़ें हो गई, उसके बाद बाकी की चीज़ें इन्वॉल्व होती है। धातु पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा सवाल है स्नेहा से, कैसे करावे? डॉक्टर अतुल जोशी, जब तक तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, स्नेह कोई भी हो जो आपके सामने हो, अगर पेशेंट अच्छे से अफोर्ड कर सकता है तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैं मेरे प्रैक्टिस में सिंपल सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ। अगर मुझे शोधन के पूर्व का स्नेह देना है तो मैं खाली गोबर देता हूँ जो कि घर में हो, नहीं तो हमारे ही कॉल में बना हुआ ब्राह्मी गुड़ है जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मुझे ब्रूहण करने के लिए स्नेह देना है तो मैं देता हूँ यष्टि मधु स्नेह जो मेरे हस्बैंड मेरा बनाता है, नहीं तो कोई भी घर का लीजिए। हम करते क्या है वो जरूरी है, ड्रग इतना जरूरी नहीं है। व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ऑटिज्म? डॉक्टर ज्योति, बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑटिज्म थोड़ा सा अलग डिफर करता है। जहाँ तक शोधन है, हम वही फर्स्ट तो ए हो गया अपना, इवेलुएट करो, लंघन की ब्रूहण अपने कर लिया। सेकंड शोधन करना है, वो भी हम आराम से कर सकते हैं, या तो स्नेह विरेचन या तो रेगुलर विरेचन। बात आती है स्पेशल प्रोसीजर्स की। अब कई बार मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, वैद्य लोग ये कहते हैं कि हमने इतने इंडस्ट्रेट किए, इतने ये किए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है डॉक्टर ज्योति कि इन बच्चों में मैं ज़्यादा पिंडस वेद, गोधूम स्वेद, पिछंचिल नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे इतने कॉपरेटिव नहीं होते। तो ऐसे में थोड़ा सा लस्य में कर सकता हूँ, अगर माँ को थोड़ा प्रेम में करूँ तो, या तो शिरो पिचू, शिरधारा भी ये बच्चे नहीं लेते। लेकिन ऐसे बच्चों में जैसा मैंने डिस्कस किया था कि पहले हमें जब बच्चों में कोई सिम्टम्स ना हो तो हमें शीत ड्रग्स देने हैं जो वेद्य हैं, नारियल हो गया, आपका नवनीत हो गया। लेकिन ऐसे बच्चों में हमें थोड़ा सा किचन यूज़ करना पड़ता है। और उसके मेरा एक अच्छे आपको मैं बता दूँ, थोड़ा सा अलग है। आप कषाय कोई भी ले लीजिए, फिर वो सरसों का कषाय हो या अरिष्ट हो, जो भी हो, बाजार में माल कांगड़ी का तेल मिलता है, ज्योतिषमती का तेल मिलता है। मैं क्या करता हूँ, 10 ml कषाय, 10 ml गर्म पानी और 5 बूंद इस तेल के, ये मैं ऐसे बच्चों में यूज़ करता हूँ, अलॉन्ग विथ ऑल अदर वेद्य एंड रसायन ड्रग्स। ये बदल हमें करना पड़ता है क्योंकि बच्चे इतने पॉपुलर नहीं होते। डॉक्टर रसिका इज आस्किंग मी, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचतत्व क्षीर बस्ती इन सीपी? डॉक्टर रसिका, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू एंड अदर वैद्यास, मैं सीपी के बच्चों में ब्रूहण को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, और इसलिए मैं कोई भी निरोह बस्ती यूज नहीं करता। ये मैंने कहा था लेक्चर में कि मैं सिर्फ स्नेह बस्ती ही यूज करता हूँ। शायद इसमें मैं बदल कर सकता हूँ, मैं सिंपल तेल ले लूँ या जस्टमत तेल ले लूँ या बला तेल ले लूँ। मेरे लिए पंचतत्व क्षीर बस्ती, डॉक्टर रसिका, ये पाचन के लिए है। अगर मुझे अस्थि पाचन करना है, अस्थि पर दोषों का पाचन करना है, तो मैं पंचतत्व क्षीर बस्ती यूज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मेरे पास आते हैं रिकेट्स के, तो इस केस में मैं रिकेट्स को मैं अस्थिगत दोष समझ के इसमें मैं पंचतत्व क्षीर या मज्जा बस्ती को बस्ती देता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें बस्ती देके पाचन करना है। तो जहाँ जहाँ मुझे अस्थिगत पाचन करना है मैं पंचतत्व क्षीर यूज करता हूँ। इस केस में मैं पाचन या निरूप की अपेक्षा नहीं करता, मैं केवल और केवल ग्रहण की अपेक्षा करता हूँ, इसलिए सिर्फ स्नेह यूज करता हूँ। गीता इज आस्किंग माय व्हाट्सएप नंबर, आई ऑलरेडी शेयर्ड इट। डॉक्टर रानी इज आस्किंग मी एनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर ऑटिज्म, आई डिस्कस्ड इट। डॉक्टर रितिका इज आस्किंग मी, सर किचन चील का वीडियो देख सकते हैं क्या? रितिका, एक्सट्रीमली सॉरी, आपके पास मेरा अगर मेल आपने नोट किया हो तो मैं जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का लैपटॉप कॉलेज में रह गया और मैं अभी घर का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो कई सारे वीडियोज वहाँ पे हैं, मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। एक बार मुझे आप एक डमी मेल भेज दीजिए, मैं पक्का शेयर करूंगा।
डॉक्टर धनश इज आस्किंग मी एडीएचडी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम, मैंने जैसा कहा लगभग क्लोज टू ऑटिज्म, मैं स्पेशल पेशेंट यूज नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा शिरो पीछू या नस्य पे ध्यान दे सकता हूँ, मैं मेद्य ड्रग्स यूज करते समय थोड़े से तीक्ष्ण ड्रग्स यूज कर सकता हूँ, ब्राह्मी ज्योतिषमती या ऐसे ड्रग्स यूज करके इसे कुक कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज ओ डॉक्टर प्रज्ञा इज आस्किंग मी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो इन चिल्ड्रन। देखो डॉक्टर प्रज्ञा, मेरे फंडे बहुत क्लियर हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितना मैं सिंपल रखूँगा ना तो मैं भी ट्रीटमेंट कर पाऊँगा और समझा पाऊँगा। जहाँ जहाँ आपको एक चरक सूत्र 16 में बहुदोष का एक सूत्र है, आप जरूर पढ़ लीजिए, अगर आप संस्कृत यूज करते हो संहिता तो राइट पेज पे नीचे से सेकंड श्लोक है चिकित्सा प्रवृत्ति में, वो एक बार देख लीजिए आप। जब जब आपको दोषों का उत्प्रेष दिखाई दे, एक बार जब जब आपको पैथोलॉजी डिफ्यूज दिखाई दे पूरे बदन पे दिखाई दे, कि वो सोरियासिस हो, फिर वो आपका विटिलिगो हो, फिर कुछ भी हो, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी शोधन। और कई बार अभी उत्प्रेष कैसे सोचेंगे, त्वचा विकार है, बहुत कंडू है, तुरंत दीजिए विरेचन, कोई भी बात मत सोचिए कि इसको पहले स्नेह देती हूँ नहीं, छोड़ दीजिए। लेकिन इस केस में क्योंकि वो जीर्ण विकार है, धातुगत विकार है, हमें प्लान विरेचन करना पड़ेगा, पहले स्नेह पान करके स्वेदन करके फिर प्लान विरेचन करना पड़ेगा, और फिर एप्लीकेशन करने के लिए कई सारे ड्रग्स हैं, लेकिन क्योंकि ये डिसीज डिफ्यूज है, चरक सूत्र 16 ये कहता है बहु दोष है, शोधन ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। डॉक्टर रसिका इज आस्किंग मी एक्सप्लेन द रोल ऑफ, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन दिस, पंचतीर्थक्षीर बस्ती इज यूज ओनली फॉर स्थिपाचन, मज्जा बस्ती बनाने की विधि समझाइए। डॉक्टर रवीना इफ यू कैन मेल मी आई विल एक्सप्लेन यू, बहुत मुश्किल नहीं है, हड्डियों को जमा करना है, मैं फिर से एक बार मौका ले लूँ मेरे इंटर्न्स को थैंक्स बोलने का, बहुत मेहनत करते हैं खुद ही हड्डी ला के, उसको हमें पिघलाना है, मज्जा बाहर आती है और फिर जैसे हम मेरू बस्ती बनाते हैं, आपका स्नेह लवण संधव कल्क क्वाथ और मज्जा, मैं आपको जरूर शेयर करूँगा, मेरे पास का वीडियो है। भुवनेश्वरी इज आस्किंग मी सर कैन बी यूज मानस सिद्ध तित्त क्षीर बस्ती, अगेन एज अ सेड यू आई डोंट नो अबाउट, अच्छा माउस सिद्ध, ओके फाइन, एज अ सेड यू ये जो निरोह बस्ती सारी हैं डॉक्टर भुवनेश्वरी, आई यूज देम स्पेसिफिकली फॉर दोष पाचन इन दैट कंसर्न धातु, धातु में दोष पाचन करना है तो अस्थि में दोष पाचन करना है तो इन केसेस ऑफ सीपी आई स्किप टू ब्रुहण एंड यूज स्नेह बस्ती। डॉक्टर तुकाराम इज आस्किंग मी इन स्वेद नाड़ी स्वेद फॉर हाउ मेनी डेज। तुकाराम जी स्वेदन अगर आपने देखा होगा तो हम शोधन करने से पहले स्वेदन को यूज करते हैं, और वो भी अगर आपका बच्चा क्लासिकल विरेचन ले रहा है तो, अगर स्नेह विरेचन ले रहा है तो देर इज नो स्कोप ऑफ स्वेदन, लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है उसको आप क्लासिकल विरेचन दे रहे हो इच्छा विधि से, तो शोधन करने से पहले आपको स्वेद देना पड़ता है, वो स्वेद आपके नल से देना है, शायद वो 5 या 7 दिन के ऊपर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्वेद मत दीजिए इन केसेज ऑफ डिस्ट्रॉफी, क्योंकि आपके बहुत ताकत से करने वाले अभ्यंगों से, बहुत तीक्ष्ण तेलों से, सरसों तेल वगैरह वगैरह, या और बहुत बड़े स्वेदों से मसल डीजनरेशन या डिटोरिएशन ज़्यादा होता है, तो बड़े स्वेद यूज नहीं करने चाहिए। डॉक्टर अभिषेक इज आस्किंग मी सर विच कषाय एंड ऑल्सो विच स्नेह शुड बी यूज इन स्नेह विरेचन। डॉक्टर अभिषेक आई टोल्ड यू कि द्रव्यों का बहुत बड़ा रोल नहीं है, अगर मुझे कुष्ठ के लिए कषाय यूज करना है तो मैं यूज करूँगा महामंजिष्ठादि या सारीवाद आदि, अगर मुझे ग्रहण करना है तो धर्मांतरित कोई भी, वो बड़ी बात नहीं है। जो बच्चे अच्छे स्नेह पान नहीं करते उनके लिए एक तो ये वे आउट है घी देने के लिए, एंड विच स्नेह जस्ट आई टोल्ड यू सिंपल गो गुर्क ब्राह्मी गुर्क विल डू, अमृत आदि गुर्क विल डू, कल्याणक विल डू, नॉट इश्यू। डॉक्टर रूपा इज आस्किंग मी अबाउट एडीएचडी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, आई ऑलरेडी डिस्कस। वैद्य चरण इज आस्किंग मी डीएमडी से प्रोग्नोसिस कैसे आहे, डीएमडी से प्रोग्नोसिस डॉक्टर चरण क्लासिकली इट्स वेरी पुअर, सेकंड डिकेड बच्चे मुश्किल से देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोई कह दूँ मेरा बच्चा था, नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि देता हूँ मिस्टर अभिषेक, मेरा एक बच्चा था पेशेंट था क्लासिकल पिछले पेशेंट ऑफ डीएमडी, बहुत लेट आया मेरे पास, लेकिन माँ बहुत ही
कंसर्न थी, बहुत ही अच्छे से हमें पिंडसवेट किया अभिषेक डॉक्टर चरण कॉलेज के सेकंड ईयर में था व्हेन ही अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर्ड, सो ऑलमोस्ट 20+ व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट. सर डॉक्टर अभिजीत इज आस्किंग मी सर एज यू टोल्ड शिरोधारा कैन बी डन इन सीपी एंड डिस्ट्रॉफी एक्सेट्रा इफ वीन बट नॉट इन एडीएचडी. एडीएचडी में करना मैं दिस रिकमेंड नहीं कर रहा, करनी चाहिए एडीएचडी में शिरोधारा टेक्निकली, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चे करते नहीं हैं, बहुत ही मुश्किल से करते हैं, करने के लिए करने से बात बनती नहीं है. उसके अच्छा उससे अच्छा है आप शुरू पिछू रखो, उसके ऊपर कैप रख दो, कैप मिलती है रेजिडेंस के बाजार में, दैट विल डू द वर्कर्स. संतोष जी अस्मी में सर वाय उद्वर्तन आफ्टर ग्रेजुएशन. ओके ओके यू आर थोड़ा संतोष आप बातों को शायद समझ नहीं पाई. हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ था कि हमें बच्चे को असेस करना है कि आपका ये क्या है, सॉरी लंघनीय है कि दुर्घनीय है, तो हमने कर लिया, शोधन करना है अपने कर लिया. अभी मुझे क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर्स करनी है जैसे कि शाली पिंड करना है, गोधन पिंड करना है, पिजिंचल करना है, उसके पहले रूक्षण करना जरूरी है, ऐसा क्लासिकल रेफरेंसेस है. और ये रेफरेंस ये कहता है कि उद्वर्तन करने से वो जो रोमकूप है वहाँ के जो दोष लीन दोष हैं वो उससे निकल जाते हैं, और एक बार वो निकल गए तो उसके बाद जो आप करोगे अभ्यंग या पिंडस्वेद उससे आपका द्रव्य उन रोमों से अंदर जाएगा, उसका शोषण होगा, वो होने के लिए पहले उद्वर्तन करना पड़ता है. डॉक्टर धनश्री आस्किंग मी अबाउट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. और दीप्ति आस्किंग मी वेदर आई यूज सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन डिस्ट्रॉफी. एब्सोल्युटली यस, क्योंकि कैसा है डॉक्टर धनश्री डॉक्टर दीप्ति सॉरी, हम एक ही प्रोटोकॉल को रखेंगे ना तो शायद हम 5-6 साल के बाद कुछ पक्का दे पाएंगे इस फैटर्निटी को, इस समाज को. अगर हर बार चीज़ें बदलते रहेंगे ना तो कुछ साउंड नहीं दे पाएंगे. एक प्रोटोकॉल इसलिए हम बनाते हैं कि इसी को हमें फॉलो करना है. हाँ, अगर सामने बच्चा कुछ अलग आया तो कुछ छोटे मोटे बदल हो सकते हैं, प्रोटोकॉल तो यही रहेगा. डॉक्टर दुर्गा दत्त इज आस्किंग मी डीएमडी रिकवरी कितनी होती है. सर रिकवरी इज एज अ सेड यू प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, लेकिन अगर हम कुछ और साल बच्चे को दे पाए, बच्चे को अच्छी नींद दे पाए, तकलीफें कम कर पाए, तो ये भी डॉक्टर साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तुकाराम डॉक्टर तुकाराम आस्किंग मी इन स्वेड नॉडी स्वेड फॉर हाउ मेनी डेज, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस. डॉक्टर आनंद इज आस्किंग मी वेरी ओके थैंक यू. वैद्य पंकज इफ आई नॉट मिस्टेकन आई नो डॉक्टर पंकज फ्रॉम IMT. श्योर पंकज PPT इज फॉर एवरीवन, नो क्वेश्चन. सर मैंने कहा मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं, यू आर माई इन्वेस्टमेंट, एनी टाइम आई कैन प्रोवाइड यू माई PPTs. डॉक्टर रेखा इज आस्किंग मी हैव यू सीन स्नेह वैपन इन एनी चाइल्ड, ऑल्सो इफ यू सी सामता द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विच विल सेम फॉर और डिफर. स्नेह व्यापक कभी दिखाई दिए नहीं, एंड अगर आप सामता स्नेह समत की बात कर रहे हो, उसी के साथ सवाल पूछा इसलिए, तो कभी मैंने देखा नहीं कि कोई मुझे व्यापक या समता समत दिखाई दी. डॉक्टर शीतल डॉक्टर वैद्य सत्यन देशपांडे सर आस्किंग मी हैव यू यूज कुटंगत बस्ती इन रिकेट्स. नो सर आई हैव यूज मज्जत बस्ती इन विकेट्स बट नॉट कुनंद बस्ती. अभिजीत इज आस्किंग मी स्नेह पाचन नथिंग डिफरेंट आर द बेस्ट वे इज तकर. डॉक्टर विजय इज आस्किंग मी डॉक्टर विजय वैद्य संजय my experience in pediatric patient less than 6 months recurrent fever recurrent infections and then develop delayed milestones and physical mental how can we manage this the same way and this is a very good case you know I can assure you that you can give good result with this injury. Stick to the protocol and do it. I'm not sure about the history says me a 6 month baby with fever. I don't know whether he has any history of convulsion but अगर बच्चा जल्दी आपके पास आया है तो विल डेफिनेटली गिव रिजल्ट्स.
डॉक्टर राजेश इज आस्किंग मी ट्रीटमेंट ऑफ क्लफ फुट क्लफ फुट राजेश वेरी सॉरी कांट डू मच एक टाइप उसमें है मेटाटासिस अडक्टस को हम थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं बाय संवाहन अगर टैपीज वगैरह है तो यू नीड टू गो फॉर सर्जरीज डॉक्टर स्वप्निल इज इंसिस्टिंग मी टू कमेंट ऑन रसा औषधीज इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप डॉक्टर स्वप्निल आई स्ट्रांगली फील दैट आई डोंट यूज रसा औषधीज मच आई स्टिक टू हर्बल मेडिसिंस although I use herbal drugs but you know you can deal with patients with simple herbs you know so there is no much requirement of your resources very important are kashayas and asavasan and snehas Dr. Aarti is asking me male child age 7 years patient case of mild autism spectrum disorder his mental age is 3.5 years okay VSM in social age is 4 years attention problem Dr. Aarti the same other treatment you can omit pigeon chill pinda swab and godun swab but stick to the same protocol assess the patient go for a shodhan sneha or regular shodhan and then directly you can go to medhyas and nasya if possible at this time you use pachak medhyas like you know brahmi shankar pushpi or at this time Dr. Satnil to make you happy Smriti Sagarwal also do there's a famous swati of Kerala Manas Mitra Patil will do this time you can use pachak this time Dr. Ritika I will share you okay I will share you Krishna pigeon chill in very brief as I told you pigeon chill main aapko sirf aur sirf sneha use karna hai koi bhi use kariye sirf itna dhyan dijiye ki sneha kafi had tak garam hona chahiye और उसको आपको उसमें कपड़ा भिगोना है उस कपड़े को आपके फीस्ट में लेके चारों उंगलियों से उस कपड़े को दबाना है तो अपने आप से अंगूठे के माध्यम से धारा तेल की बहेगी और उस धारा के पीछे पीछे आपको दूसरे हाथ से स्ट्रांगली अभ्यंगन करना है दिस इज द प्रोसीजर डॉक्टर आरती इज आस्किंग मी इन केस ऑफ माइल्ड ऑटिज्म केस हिस्ट्री ऑफ एमएमआर वैक्सीन डोज इज इंक्रीज्ड dose was given can it lead to side effects like aluminum crisis I don't think so I'm not getting you to be very frank about it but MMR vaccine I don't know how increased dose was given because nowadays all vaccines are given in pre what do you call 0.5 single dose unit sorry syringes so you cannot take increased dose but I don't think so ki increased dose of MMR will cause any problem okay Dr. Swati my ID is very simple omkr that is omkr.research omkr.research research@gmail.com basti for how many days If you are asking me, Dr. Rukuja, about basti in CP patients, as we discussed, we are doing a special procedure course, over the 3 days, Shalipindat 10 days, Shalipindat 10 days, and Godun 10 days, that is 33 days. So basti will be there for 33 days. The only thing is, you have to fix the dose for that patient, and then you can do it for the rest of the period. Dr. Arvind is insisting me to display my number. I will surely do that. Dr. Vaidya Sanjay is asking me in DMD Ayurvedic treatment how much time gives better life and gives increased life how much. Dr. Vaidya Sanjay, we cannot what do you call? We cannot say the exact period of cycles we require, but at least 7 to 8 cycles will definitely give you reduce CP clearance drastically reduce CP clearance Tushar is asking okay shiva ahar kaise dena hai kitne baar ahar ka dr vanita kitni baar ka nahi hota ahar aapko baar baar dena padta hai lekin ha sirf utna hi mat dijiye
आदि चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए, तो कम से कम दिन में 2 या 3 बार अगर आप उसका इंक्लूड करें आपके डाइट चार्ट में तो अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 बड़े आहार होने चाहिए दिन में और कम से कम 4 छोटे स्नैक्स बोलते हैं उसे हम, स्नैक्स होने चाहिए। तो शिवा आहार हमारे लिए स्नैक है, वो 2 या 3 बार हम उसे जरूर यूज़ करें, बाकी के आहार आप अवॉइड मत करिए। डॉक्टर आरती इज आस्किंग मी टू शेयर माय नंबर एंड आईडी, आई विल डू सो। डॉक्टर आरती गेहूं का अचार आपने बताया वह किसे देना है? आई सपोज वनिता इज आस्किंग मी अबाउट द सेम शिवा आहार, आहार ये प्रोसीजर है वो, तो वो सबके दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चा है जो वेट में कम हो, उसको आपको ग्रहण करना है, यू कैन डेफिनेटली ऐड द सेम इन दैट आल्सो। दीप्ति इज आस्किंग मी क्विंसी ट्रीटमेंट, आई रिक्वेस्ट डॉक्टर दीप्ति टू इलैबोरेट द थिंग्स, व्हाट इज द वेट ऑफ द चाइल्ड, व्हाट इज द हिस्ट्री, सो आई कैन गिव यू अ बेटर आंसर। वैद्य अर्चना आस्किंग मी सर हाउ कैन वी मैनेज रेगुलर एपिलेप्सी और फिट एपिसोड्स इन अ एक्टिव फेज इज डिफिकल्ट, बट इफ यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी पोस्ट अटैक देयर आर फ्यू थिंग्स आई हैव ड्रॉन। पहली तो बात ये समझ लीजिए आप कि पैथोलॉजी जो है एपिलेप्सी की, वो ये कहती है कि किसी एक चीज़ की वजह से, किसी हेतु की वजह से दिमाग में एक फोकस बन जाता है जिसको एपिलेप्टिक फोकस बोलते हैं, और ये एपिलेप्टिक फोकस है वो खुद से अलग से इलेक्ट्रिक सप्लाई जनरेट करता है जो मैच नहीं होता बाकी सेरेब्रम से और फील्ड साथ में। तो जैसा हमने कहा मैनेज करने के लिए पहले आप शोधन करिए, अगर एक्टिव है बच्चा, मतलब कुछ दिन पहले ही कन्वर्जन का हिस्ट्री आया है, तो तुरंत हमें रक्तमोक्षण करना चाहिए। अगर ऐसा हिस्ट्री नहीं है, क्रॉनिक हिस्ट्री है, हमें ये रेगुलर शोधन करना पड़ेगा। एंड इस बार भी हमें थोड़ा सा वेद देते हुए ऐसे यूज करने पड़ेंगे। मनीषा सुडो हाइपरट्रॉफी ट्रीटमेंट क्या है, क्या देंगे डॉक्टर मनीषा? सुडो हाइपरट्रॉफी इज अ पार्ट ऑफ बीएमडी, वो कुछ अलग से कोई अलग पैथोलॉजी नहीं है, क्यों नीचे हार्ट है कम करता है क्योंकि मसल फाइबर बहुत कोर्स हो गए हैं, इसलिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो हाइपरट्रॉफी होती है। कि सुडो हाइपरट्रॉफी तो कोई अलग पैथोलॉजी नहीं है, डीएमडी के ट्रीटमेंट में ही इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं देने जरूरत नहीं है। डॉक्टर अमेश इज आस्किंग मी 33 डेज स्नेह बस्ती दिलावर कहीं अति स्नेह लक्षण दिखता का, एब्सोल्युटली नाइस अनमेश, इतकंच नहीं तर आमच्या मला बघाच्या पेशंट्समध्ये आम्ही सेम कोर्स वापरतो 10 ml, 15 ml, 20 ml, 30 ml, आणि एका ठिकाणी मला 7 वेळा हा कोर्स करावा लागलेला होता। ॲब्सोल्युटली काही प्रॉब्लेम नाही आहे, पण म्हणून मी हेच सांगतोय की जो स्नेह आपण देतोय, जो स्नेह हम दे रहे हैं इस केस में, वो स्नेह बहुत ही कम मात्रा में जो ग्रहण की अपेक्षा करता है। स्नेह आपको तब होने की उम्मीदें बढ़ती हैं जब स्नेह बहुत ज़्यादा हो। रुतिका ट्रीटमेंट ऑफ वर्म इन ब्रेन, आई नॉट गेटिंग रुतिका, व्हाट इज वर्म्स इन ब्रेन, प्लीज एलाबोरेट सर, कैन एक्सप्लेन। वेल डॉक्टर रामदास द थिंग्स आर ओवर आई थिंक, आई सपोज इफ यू आर लिसनिंग टू मी। हेलो रामदास, आर यू देयर? यस सर, आई एम लिसनिंग। आई थिंक it's done, I think it's done. Yes sir. So thank you sir, we'll proceed to last part of our session, that is auto thanks. Okay. I would like to request Dr. Prasad Vyas, is Mumbai coordinator MAS, kindly conduct auto thanks session. Dr. Vyas sir, please.
डॉक्टर व्यास जी आज का आभार प्रदर्शन कर लग कीजिए। डॉक्टर व्यास यांच्याशी आपला संपर्क प्रदर्शित होत नाहीये, मी त्यांच्या वतीने आता आभार प्रदर्शन कंडक्ट करतो। आज मास आयोजित 16व्या CME मध्ये आपले प्रमुख व्याख्याते वैद्य ओमकार कुलकर्णी सर यांचे मासच्या वतीने मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। त्याचबरोबर इथे उपस्थित सर्व सन्माननीय वैद्यांचाही मी आभारी आहे, आपल्या सर्वांमुळे हा कार्यक्रम यशस्वी झाला। बालरोगातील अतिशय दुर्धर व्याधींवरती सरांनी त्यांच्या अनुभवातून अतिशय चांगल्या प्रकारे आपलं मार्गदर्शन केलं आहे आणि नुसतं त्यामध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल्स आहेत, व्हिडिओ होते, PPTs होत्या आणि रिसर्च डेटा होता। अशा संकलनाबद्दल आम्ही सरांचे मनापासून आभार मानतो आणि मार्सीचे आयोजन समिती आहे त्यांनीही हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी खूप मदत केली, या सर्वांचे आभार। थँक्यू सर, थँक्स अ लॉट फॉर गिविंग युअर व्हॅल्युएबल टाइम फॉर अस अँड आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ अस, विल डू फ्युचर प्रोग्राम्स इन फ्युचर ऍस्पेक्ट्स शुअर लॉकडाऊन। थँक्यू 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 सर, शुअर 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 शुअर, थँक्यू सर।